हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू मिलती क्लासेस। आप सभी लोगों का वेलकम है हमारी आज मैराथन क्लास में। आज हम देखेंगे फ्रेंड्स 2020 के जनवरी मंथ के सारे एमसीक्यूज, ठीक है। तो हम जनवरी मंथ के जितने भी एमसीक्यूज बने हैं जनवरी फरवरी मार्च के, हेलो फ्रेंड्स, जल्दी से मुझे एक बार बता देंगे कि क्लास बिल्कुल सब कुछ सही चल रही है कि नहीं चल रही, क्लास सही चल रही है कि नहीं चल रही, क्लास सही चल रही है कि नहीं चल रही। फ्रेंड्स सॉरी, बिकॉज आज जो है थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था जिसकी वजह से हमारी क्लास बीच में रुक गई थी। हाँ, थोड़ी सी स्टार्ट ही हुई थी क्लास और बीच में रुक गई थी। चलिए फ्रेंड्स, सभी का वेलकम है, जल्दी से आ जाएंगे सभी लोग जल्दी से आ जाएंगे लाइव। ओके, ओके। आकाश यादव जी, हेलो आकाश, गुड मॉर्निंग आकाश जी। बहादुर जी, बहादुर साहू कन्हैया जी, निखिल निकेता, ओके। गरिमा सिंह, गुड मॉर्निंग। प्रीति जी, गरिमा जी, अरे मैं यहीं पर हूँ बेटा, थोड़ा क्लास में नेटवर्क इशू हो गया था, बड़ी प्रॉब्लम, मतलब थोड़ा सा ही प्रॉब्लम सी हो गई थी मतलब बीच में। हाँ, अभी सब कुछ सही है ना? जितने लोग अभी हैं तो मुझे जल्दी से मैसेज कर दीजिए और मैं एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर देती हूँ। आप लोग भी जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए, जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि थोड़ा सा हम लोग लेट हो गए। काफ़ी सारे क्वेश्चन को आज हम देखेंगे, ठीक है, और लगातार कम से कम हमें 4 से 5 घंटे एक साथ बने रहना है। और आज हम जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून तक के जो है हम यहाँ पर क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे पूरे, ठीक है, जो हमारे 2020 के हैं। तो आप लोगों को क्लास के तुरंत बाद इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, तो पीडीएफ के साथ आप लोग जो है प्रिपरेशन अभी अपनी कर लेंगे, ठीक है। जितने क्वेश्चन हैं सब आपके लिए ही हैं। चलिए जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक है। ओके, फिर से रुक गई थी क्या क्लास? अच्छा, नेटवर्क थोड़ा सा नेटवर्क इशू कर रहा था, क्या बात। मतलब जिस दिन हमें 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 अपने अपने आप साथ रहना है, नेटवर्क इशू करने लगता है, क्या बात है, नेटवर्क भी अपना मजा लेता है, अरे वाह वाह। चलिए फ्रेंड्स, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यस मैम, कोई दिक्कत नहीं, आप सब कुछ सही है। अमित राजन जी, बिल्कुल एवरीथिंग इज ओके। ओके बहादुर साहू जी, शिवानी जी, लोकेश जी, ओके। चलिए गुड मॉर्निंग अमित जी, इंद्रजीत जी, गुड मॉर्निंग शिवानी। चलिए ओके, स्नीता सिंह जी, अनीता जी, वेलकम। सभी बच्चों का वेलकम है। अब हम लोग जो अपनी चीज़ों को शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन है, सोफिया कैनिन ने स्पेन की, मैं बात करूं यहाँ पर गार्वाइन यानी कि मुगुराजा को हराकर ऑस्ट्रेलिया ओपन का महिला एकल खिताब अपने नाम करा है, वो किस देश की है? यूएस की है, बुर्किना फासो की है, सेनेगल की है, टोगो की है या नाइजर की है? आप मुझे कंटिन्यू आंसर देते रहेंगे और मैं भी तेजी के साथ कंटिन्यू चलती रहूंगी, ठीक है। बस आप लोगों के आंसर मुझे यहाँ पर दिखने चाहिए कि आप लोग आंसर दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। सही आंसर होगा यहाँ पर देखिए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही आंसर होगा। ये जो है हमारे पास में सोफिया कैनिन कहाँ की है? यूएसए की है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, देखें यहाँ पर नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलिया के डोमिनिक थीम को हरा दिया है और ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष अपने नाम कर दिया है। तो नोवाक जोकोविच किस देश के हैं? नोवाक जोकोविच किस देश के हैं? गिनी बिसाओ के हैं, सर्बिया के हैं, कोटे द आइवर के हैं, बेनिन के हैं या माली के हैं? तो नोवाक जोकोविच जो है कहाँ के हैं? नोवाक जोकोविच हैं आपके कहाँ के हैं? सर्बिया के नोवाक जोकोविच। ठीक है, चलिए ओके अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, देखें यहाँ पर यह है रूबीगुला। क्या है? रूबीगुला। रूबीगुला फ्लेम थ्रो टेड बुलबुल का अनावरण राष्ट्रीय खेलों के 36वें संस्करण के अधिकार जो आधिकारिक शुभांकर होता है उसके रूप में किया गया है। कौन सा राज्य इसका आयोजन की मेजबानी करेगा? तो आप लोग मैं जब मुझे बता देंगे जो इस अनावरण राष्ट्रीय खेलों में 36वां जो एडिशन हो रहा है इसकी जो यानी कि ये एडिशन जो हुआ इसको होस्ट किस राज्य ने करा है? असम ने करा है, गोवा ने करा है, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा, गोवा ने इसको होस्ट करा है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, राष्ट्रीय खेलों का 36 एडिशन जो हमारा होस्ट करा है होस्ट करा है गोवा ने। अगला नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा दिन विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस की मैं बात करूँ तो कौन सा दिन मनाया जाता है? 15 जनवरी, 18 जनवरी, 24 जनवरी, 25 जनवरी या फिर 2 फरवरी? आप लोग बिल्कुल इसको रिपीट कर रहे हो जो हमारे पास में 2020 का करंट अफेयर रहा है। ठीक है, तो आप लोगों के कमेंट में थोड़े कम पढ़ूंगी, जहाँ पे डाउट है आप मुझे कमेंट बिल्कुल करते रहेंगे, मैं बिल्कुल आपके डाउट को सबको सॉल्व करूंगी। ठीक है, यस, सही आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन 5 इज द करेक्ट आंसर, 2 फरवरी को हम मनाते हैं क्या? विश्व आर्द्रभूमि दिवस। ठीक है, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन स्पीड ज्यादा तो नहीं हो रही मुझे एक बार बता देंगे स्पीड? शिवानी बहादुर, अमित जी, कन्हैया जी, प्रीति बहादुर, शाहू अमित, स्पीड ज्यादा हो रही है? स्पीड ज्यादा है मुझे बता दीजिए, स्पीड ज्यादा है क्या? स्पीड ज्यादा है क्या? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, थोड़ा स्लो करके चलेंगे। हाँ मुझे भी लग रहा है, हाँ ठीक है, प्रीति तो कह रही है बिल्कुल ठीक है। किसने हरियाणा के सूरजकुंड में 34वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया है? एम वेंकैया नायडू ने, रामनाथ कोविंद ने, नरेंद्र मोदी ने, एस जयशंकर ने या फिर डी वी सदानंद गौड़ा ने? ठीक है, चलिए अच्छा ठीक है, हाँ मुझे भी लग रहा था ठीक है, किसने किया है आप लोग मुझे आंसर बता देंगे। सही आंसर होगा रामनाथ कोविंद इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल यहाँ पर रामनाथ कोविंद ने यहाँ पर सूरजकुंड में 34वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म मेले का उद्घाटन किया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 क्या है, देखिए चीन के बाहर पहला कोरोना वायरस की मौत किस देश में हुई थी? चीन से बाहर जो कोविड से जो पहली मौत थी वो किस देश में हुई थी? कन्हैया जी, अमित जी, बहादुर, प्रीति, ओके अमित, शिवानी सिंह। चलिए सही आंसर क्या होगा? जापान में हुई थी, फ्रांस में, फिलीपींस में, इटली में या सऊदी अरब में? कहां पर हुई थी? सही आंसर होगा, देखिए यहां पर आपका समय सीमा समाप्त हुई, ऑप्शन सी फिलीपींस में। चीन से अलग बात करेंगे तो जो कोविड से पहले व्यक्ति की मृत्यु हुई थी तो वो हुई थी फिलीपींस में। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर 7 क्या है कि कौन सा भारतीय नौसेना जहाज ऑपरेशन वेनिला के तहत मेडागास्कर में मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रदान कर रहा था? 2020 की बात है, 2020 के भी स्टार्टिंग की। ठीक है, तो आप लोग मुझे बता देंगे कौन सा जहाज था, क्या नाम था उसका? INS एरावत था यहाँ पर, या INS कोलकाता था, INS तलवार था, या INS विक्रमादित्य था, INS विक्रांत था? कौन सा जहाज ऐसा जहाज था जो नौसेना जहाज ऑपरेशन वेनिला के तहत मेडागास्कर और मानवीय सहायता को जो आपदा के टाइम पर हाँ बिल्कुल राहत प्रदान कर रहा था? हाँ बिल्कुल, प्रीति जी सही आंसर दे रही हैं, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर क्या होगा यहाँ पर? शशिकांत, वेरी गुड, ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा, एरावत जहाज था जो भारतीय नौसेना जहाज ऑपरेशन वेनिला के तहत मेडागास्कर को मानवीय सहायता प्रदान कर रहा था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 8 क्या है यहाँ पर देखिए, किस शहर में
एक उसी पुस्तक मेले का उद्घाटन किया गया है। आप लोगों से पूछा जाएगा कि एक उसी पुस्तक मेले का उद्घाटन किस शहर में किया गया है, तो किस शहर में किया गया, बैंकॉक में किया गया है, ताशकंद में, शंघाई में, बीजिंग में या फिर ढाका में। प्रीति, बहादुर, शिवानी, अमित, श्रीकांत, कन्हैया। चलिए बहुत बढ़िया, सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 5 इज द करेक्ट आंसर। ढाका में हमने यहाँ पर जो एक उसी पुस्तक मेला है इसका उद्घाटन किया है ढाका में। ढाका में बांग्लादेश की राजधानी है, किसकी, बांग्लादेश की राजधानी कैपिटल में हमने यहाँ पर एक उसी पुस्तक मेले का उद्घाटन किया है। ठीक है, बिल्कुल सही शिवानी जी, हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। देखिए, किस शहर में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन किया है, तो कौशल विकास केंद्र का जो उद्घाटन किया है ये किस शहर में किया है एम वेंकैया नायडू ने, लोथल में, हुबली में, मथुरा में, लखनऊ में या फिर कानपुर में। किस शहर में किया है हमने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन। चलिए बहुत बढ़िया, सही आंसर क्या होगा यहाँ पर, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हुबली में, रामनाथ कोविंद नहीं, एम वेंकैया नायडू। यानी कि हमने बात करी है वाइस प्रेसिडेंट की, तो हमारे जो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू हैं उन्होंने कौशल विकास केंद्र का जो उद्घाटन किया है, इन्होंने ये उद्घाटन कहाँ किया है, हुबली। हुबली कहाँ पड़ता है मैम, पश्चिम बंगाल की बात करें, कहां पड़ता है, पश्चिम बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल में। यस, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, किस देश के साथ भारत ने यहाँ पर अड्डू पर्यटन क्षेत्र की स्थापना के लिए 5 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करे हैं, तो कौन सा देश है जिसने कौन से देश के साथ भारत ने जो है 5 अड्डू, अड्डू क्या होती है, देखिए यहाँ पर एक जनजाति, मैं बात करूँ जो जनजाति से संबंधित ऐसे होते हैं, जो जनजाति से संबंधित पर्यटन होते हैं, यानी कि जनजाति से संबंधित चीजें, उनके पर्यटन को लिए, उनके क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में जो है 5 एग्रीमेंट किए हैं, किस देश के साथ 5 एग्रीमेंट किए हैं इस अड्डू को लेकर के, म्यांमार के साथ किए हैं, मालदीव के साथ किए हैं, नेपाल, बांग्लादेश या फिर भूटान के साथ किए हैं। ओके, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। यस शिवानी जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। प्रीति जी वेरी गुड, कन्हैया जी, प्रीति, ओके, सही आंसर क्या होगा, सही आंसर क्या होगा, अगला सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा मालदीप। तो यहाँ पर जो मालदीप है, मालदीप ने हमारे भारत के साथ अड्डू पर्यटन को लेकर के 5 एग्रीमेंट किए हैं। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, भारत और मालदीप के लिए अड्डू पर्यटन को लेकर के कितने समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं, 5 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं, मालदीप इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 है कि तुषार कांजीलाल का हाल ही में निधन हो गया है, तो वह डैश डैश क्या थे। तुषार कांजीलाल की बात करी है, वो क्या थे, वो राजनेता थे तुषार कांजीलाल, या लेखक थे, क्रिकेटर थे, एथलीट थे या फिर तैराक थे, जल्दी से आंसर बताते रहेंगे। अमित, शशिकांत, शिवानी, प्रीति, कन्हैया, हाँ करेक्ट आंसर क्या होगा, बहुत बढ़िया, सही आंसर होगा यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन बी। ये कौन थे, ये एक लेखक थे, कौन थे, ये थे आपके लेखक, ठीक है, बहुत बढ़िया। तुषार काजीलाल की बात करेंगे तो ये हमारे पास में एक लेखक थे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, कौन अटलांटिक महासागर पर जाने वाले पहले वधिर व्यक्ति बन गए, कौन अटलांटिक महासागर पर जाने वाले पहले वधिर यात्री बने हैं, कौन बने हैं, तो मैं बात करूं वधिर व्यक्ति जो बने हैं, यहाँ पर कह रहा है मो ओ ब्राउन बने हैं, राफेल ग्रासी बने हैं, माधुरी विजय बनी है, या जनक राज बने हैं, माइकल डी पात्रा बने हैं, सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। हाँ राजनेता थे बिल्कुल, ये बिल्कुल, चलिए करेक्ट आंसर होगा। देखिए कौन अटलांटिक महासागर पर जाने वाले पहले जो वधिर यात्री बने हैं, तो ये बने हैं हमारे मो ऑन ब्रायन, कौन, मो ऑन ब्रायन जो है अटलांटिक महासागर पर जाने वाले पहले वधिर यात्री बने हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट, किस देश ने सभी प्रकार के व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया, मतलब व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जो यानी कि डेली यूज या रोजमर्रा की चीजें रही हैं, या फिर मैं बात करूं मतलब जो व्यक्ति के लिए जरूरी है, जैसे मैं बात करूं एग्जाम्पल फॉर कपड़े हैं, मास्क, इन सब पर लगा दे, जिसमें कपड़े और मास्क शामिल हैं, जो लोग वायुजनित कणों से बचाने के लिए यहाँ पर
इसको जो है उपयोग में लाए जाते हैं, उन सभी पर क्या है, यहाँ पर कौन सा देश है जिसने निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? फिलीपींस ने लगाया, चीन ने, भारत ने, पेरू ने या ब्राजील ने? अब 2020 की बात हो रही है, पूरा 2020 कोविड-19 से निकला है, आप लोगों को पता है ना? हाँ बिल्कुल पता है मैम, कोविड-19 से निकला है, तो उस समय की बात है, आप मुझे बताएंगे। वेरी गुड, अपना देश भारत ने जो है, भारत ने सभी व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों पर प्रतिबंध लगा दिया है, निर्यात प्रतिबंध लगाया है, ठीक है। और ये जो है ऐसे निर्यात प्रतिबंध, यानी कि मैं बात करूं, ऐसे उपकरण इसमें शामिल किए गए हैं जो मतलब व्यक्ति के जो व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण होगा, जैसे एग्जाम्पल के लिए कपड़े होंगे, मास्क होंगे और भी बाकी चीजें होंगी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 14, द्विवार्षिक मेगा रक्षा, अगर प्रदर्शनी की बात करी जाएगी कि द्विवार्षिक मेगा रक्षा प्रदर्शनी जिसको बोलते हैं हम डेफ्लक्स, ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा संस्करण लखनऊ में आयोजित किया जा रहा है, तो इसका कौन सा संस्करण है जो, हाँ, लखनऊ में आयोजित किया जा रहा है? आर्यन राजन जी, वेरी गुड आर्यन, बड़े देर बाद आर्यन का आंसर आया, क्या बात आर्यन, सही आंसर क्या होगा बता देंगे मुझे, करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए, ठीक है। 11वां संस्करण, कौन सा यहाँ पर 11वां एडिशन हुआ है, वो भी लखनऊ में हुआ है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, किस शहर में कला उत्सव यानी कि काला घोड़ा शुरू किया गया है? अब कला उत्सव या काला घोड़ा किस शहर में मनाया जाता है? ग्वालियर में, मुंबई में, या अहमदाबाद में, शिलोंग में, या फिर यहाँ पर उखरूल में? कहाँ मनाया जाता है? कन्हैया, कृष्णा, शशिकांत, प्रीति जी, आर्यन, शिवानी, बहादुर आंसर नहीं आ रहा बहुत देर से, बहादुर, बहुत बढ़िया, सही आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, आप लोगों का यहां पर मैं बात करूं, करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, ठीक है। क्या है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए ये क्या हुआ इसमें, आगे बात करते हैं, सही आंसर क्या होगा, देखिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा, इसमें आगे बात करेंगे। अरे वाह, वन सेकेंड रुकना, चलिए अगले प्रश्न को पढ़ लेंगे, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है देखिए यहां पर देख लेंगे, चलिए मैंने पूछा है कि भाई सरकार ने, देखिए प्रश्न देखेंगे यहां पर हम लोग, सरकार ने देश में कोरोना संक्रमण, क्या प्रॉब्लम है इसको, अरे वाह वाह, चलिए सरकार ने क्या मतलब क्या चीज है इसमें, हाँ चलिए भाई, ओके, तो क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर, किस किस शहर में उत्सव कला घोड़ा मनाया गया है, तो ये कहाँ पर मनाया गया है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, मुंबई में जो है यहाँ पर, तो किस शहर में काला घोड़ा उत्सव मनाया गया है, ये मनाया गया आपका मुंबई में, ठीक है, बिल्कुल महाराष्ट्र यानी कि मुंबई में, ठीक है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या होगा, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए यहाँ पर, सरकार ने, क्वेश्चन है कि सरकार ने देश में कोरोना वायरस, सरकार ने देश में कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए किस स्टॉक फोर्स का गठन किया है, और स्टॉक फोर्स का सदस्य कौन है? और आपको पता है हमारे यहाँ पर जो कोविड-19 की बात करूँ, तो कोविड-19 पर स्टॉक के लिए, या मैं बात करूँ इसको रोकने के लिए, इस पर
अभी तक भी ये जो है यहाँ पर स्टॉक फोर्स काम कर रही है, ठीक है। तो इसके सदस्य हर्षवर्धन है, एस जयशंकर है, जे किशन रेड्डी है या हरदीप पुरी हैं या फिर ये सभी हैं। आप लोग आंसर देते होंगे खान सर फैन वीडियो, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हालचाल है प्रतीक जी, वेरी गुड मॉर्निंग प्रतीक, थोड़े लेट आ रहे हैं। रंजन सिंह, सही आंसर होगा ऑप्शन फाइव। यहाँ पर देखिए जो स्टॉक फोर्स हमने कोविड 19 को रोकने के लिए बनाई है, तो उसमें हर्षवर्धन भी शामिल हैं, एस जयशंकर प्रसाद भी, जी किशन रेड्डी भी, हरदीप सिंह पुरी भी और उपरोक्त तो सभी यहाँ पर शामिल हैं, ठीक है। यस, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन 17 क्या है, किस राज्य सरकार ने नोबेल कोरोना वायरस महामारी को राज्य आपदा घोषित किया है? तो कौन सा राज्य सरकार ने यहाँ पर नोबेल कोरोना वायरस महामारी को, जो मैं बात करूँ, इसको राज्य आपदा घोषित करने वाला कौन सा राज्य बना है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या तेलंगाना या फिर आंध्र प्रदेश? सही आंसर क्या होगा निखिल जी, आंसर दीजिए निखिल, आंसर सही आंसर होगा, देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए। केरल ने क्या काम करा है यहाँ पर, केरल ऐसा राज्य बना है, राज्य आपदा घोषित किया गया है क्योंकि इसे नोवेल कोरोना वायरस महामारी को राज्य आपदा घोषित किया गया है। और ये पहला ऐसा राज्य था जहां पर, मैं बात करूं दिल्ली के बाद ये ऐसा दूसरा राज्य था जहां पर यानी कि सबसे पहले प्रतिबंध या सबसे पहले बंद हुआ था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, देखिए एम नारायण रेड्डी का हाल ही में निधन हो गया। एम नारायण रेड्डी क्या थे, ये एथलीट थे, राजनेता थे, लेखक थे, क्रिकेटर थे या फिर भारतोत्तोलक थे? आप मुझे बता देंगे एम नारायण रेड्डी क्या थे निखिल, आंसर। ओके खान सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ कन्हैया जी, ओके शिवानी, प्रीति, शशिकांत, चलिए आंसर देंगे। रंजन सिंह, आंसर नहीं आया रंजन जी आपका। अमित, आंसर नहीं आ रहा है। प्रीति साहू, लोकेश रॉयल जी, आंसर नहीं आ रहा है, क्या बात। सही आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है, राजनेता। ये जो थे हमारे पास में क्या थे, अगर मैं एम नारायण रेड्डी की बात करूंगी तो ये हमारे पास में एक राजनेता थे, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा दिन विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो कौन सा दिन है जो विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है? हाँ बिल्कुल इंद्रजीत, बिल्कुल। तो यहाँ पर 1 जनवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं, 1 फरवरी को मनाते हैं, 4 फरवरी को मनाते हैं, 2 फरवरी या फिर 4 जनवरी को मनाया जाता है? चलिए बहुत बढ़िया। हाँ ये पॉलिटिक्स में थे बिल्कुल। निखिल जी, ओके खान सर जी, शिवानी, चलिए सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी, बिल्कुल। बात करें 4 फरवरी को यहाँ पर क्या विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्या 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, देखिए प्रश्न नंबर 20, कौन सा शहर अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार यानी कि IIFA इसका 21वां एडिशन या संस्करण की मेजबानी करेगा? तो 21st एडिशन जो है इसको किसने होस्ट किया है, भोपाल ने होस्ट किया है, इंदौर ने होस्ट किया है, गुवाहाटी ने, पणजी ने या फिर भोपाल और इंदौर दोनों ने? सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा आप लोगों का यहाँ पर ऑप्शन 5, ठीक है बिल्कुल। यानी कि मैं बात करूँ भोपाल और इंदौर, ठीक है, तो इन दोनों ने मिलकर के यहाँ पर जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार था, ठीक है, इसका 21वां एडिशन जो है होस्ट किया है दोनों ने पहले। और अगर आपके प्रश्न में इंदौर नहीं आता, भोपाल है, तो भोपाल यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा और मेनली भोपाल ही माना जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, किस राज्य ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इम्पोर्टेंट है, इसके कार्यान्वयन के लिए पहला स्थान प्राप्त किया है? तो मातृ वंदना योजना जो है ये चल रही थी, अब इसके कार्यान्वयन को देखते हुए जो फर्स्ट रैंक हासिल की है किसने करी है, राजस्थान ने हासिल करी है, मध्य प्रदेश ने, महाराष्ट्र ने, गुजरात ने या फिर पंजाब ने? सही आंसर क्या होगा, आप लोग मुझे आंसर बताते रहेंगे। प्रीति जी, कन्हैया, ओके खान सर, शशिकांत, सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने जो है यहाँ पर मातृ वंदना योजना की बात करें तो ये कार्यान्वयन जो शुरू करा है, इसमें फर्स्ट जो आया है यानी कि प्रथम स्थान जो हासिल करा है ये मध्य प्रदेश ने हासिल करा है, ठीक है निखिल। अगला प्रश्न नंबर 22 क्या है, कौन सा देश राष्ट्रमंडल का 54वां सदस्य बन गया है? तो राष्ट्रमंडल का जो 54वां सदस्य बना है ये कौन सा देश बना है?
नोरू बना है, मालदीव बना है, या नियू बना है, मेडागास्कर बना है, या यहाँ पर मेडिसोनिया बना है, मैसिडोनिया। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा यहाँ पर मालदीव बना है। मालदीव ऐसा देश बना है जो राष्ट्रमंडल का 54वां सदस्य बन गया है, ये बना है हमारा मालदीव। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 23 है, किसे मध्य प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान से सम्मानित किया है? राष्ट्रीय किशोर सम्मान की बात करिए तो मध्य प्रदेश ने किसे राष्ट्रीय किशोर सम्मान से सम्मानित किया है? संजना कपूर को, नासिरा शर्मा, या वहीदा रहमान को, या वासुदेव मोही को, या मक्खीमत अच्युत नाम्बूथिरी को? किसको यहाँ पर राष्ट्रीय किशोर सम्मान से एमपी गवर्नमेंट के द्वारा सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर होगा बच्चा पार्टी ऑप्शन सी, वहीदा रहमान को। यहाँ पर वहीदा रहमान को हमने राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान से सम्मानित किया है। ठीक है, चलिए आप लोग आंसर मुझे करेक्टली देते चले जाएंगे, आंसर देते चले जाएंगे, जो आपको सही लग रहा है आप आंसर चॉइस करिए। बिल्कुल शशिकांत का यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर था। और किसका था? शशिकांत का बढ़िया था। हाँ बिल्कुल सही आंसर था। ओके, हाँ बिल्कुल बिल्कुल शिवानी का करेक्ट था, निखिल का करेक्ट आंसर था। वेरी गुड, चलिए आप लोगों के नाम भी मैं देखती रहूंगी, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न क्या है यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि किसे कनाडा में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो कनाडा के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? अरविंद कृष्ण को, अजय विसारिया को, या फिर यहाँ पर जो तरनजीत सिंह सिंधु को, या विनय मोहन क्वात्रा को, हर्षवर्धन श्रृंगला को? किसको किया गया है? जितने नए बच्चे आ रहे हैं सब लोग सेशन लाइक करते रहेंगे। बिल्कुल हाँ, ओके, जल्दी से बता देंगे। सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर होगा अजय विसारिया। अजय विसारिया को जो है कनाडा में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में अपॉइंट किया गया है। ठीक है, बिल्कुल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या है, किस शहर में भारत और दक्षिण कोरिया के बीच यहाँ पर त्रिमंत्री स्तरीय रक्षा वार्ता आयोजित की गई है? तो जो मंत्री की बात करूं, इनके बीच जो है यहाँ पर मंत्री स्तरीय जो वार्ता है, ठीक है, मंत्री स्तरीय रक्षा वार्ता की जो आयोजित की गई है, ये बैंगलोर के या चेन्नई, नई दिल्ली, हैदराबाद, या फिर कोलकाता? सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल शिवानी जी। चलिए गौतम कुमार जी, वेलकम गौतम, बड़े लेट आ रहे हो, क्या बात है? सही आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली। ठीक है, तो देखिए नई दिल्ली में यहाँ पर भारत और दक्षिण कोरिया के बीच जो मंत्री स्तरीय रक्षा वार्ता आयोजित की गई है, ये हमारी कहाँ की गई है? नई दिल्ली। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 26, किस राज्य सरकार ने जनसेवा योजना शुरू करी है? तो कौन सी राज्य सेवा सरकार है, कौन सी राज्य सरकार है जिसने जनसेवा योजना शुरू करी है? असम ने, आंध्र प्रदेश ने, मध्य प्रदेश ने, उत्तर प्रदेश ने, या फिर कर्नाटक ने? तो किस राज्य सरकार ने यहाँ पर जनसेवा योजना शुरू करी है? सही आंसर क्या होगा? सो गए थे? अरे भाई, मतलब इतने लेट भी सोते हैं क्या? 11 बजने वाले हैं और आप कह रहे हम सो गए थे। सही आंसर होगा ऑप्शन 5। ठीक है, कर्नाटक राज्य सरकार ने यहाँ पर जो है जनसेवा योजना शुरू करी है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, इंपोर्टेंट कि जनसेवा प्रश्न बनेगा, किस राज्य सरकार के द्वारा जनसेवा योजना शुरू की गई है, या फिर कर्नाटक ने निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की है? ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। यस गौतम जी, अगला प्रश्न है 27, किस शहर में ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया की सरकारों के साथ साझेदारी में विदेश मंत्रालय, ठीक है, यानी कि MEA की बात करें तो MEA, इसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ यहाँ पर एक्सटर्नल अफेयर्स है, इसकी सुरक्षा सहयोग के पर चौथे यहाँ पर मैं बात करूँ चौथे पूर्वी एशियाई जो सम्मेलन है, जिसको हम बोले ईस्ट एशियन समिट, इसको आयोजित करेगा। तो ईस्ट, मैं बात करूँ यहाँ पर ईस्ट एशियन समिट को आयोजित जो करेगा, अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, चेन्नई, या फिर लखनऊ? सही आंसर क्या होगा? हाँ बिल्कुल, शशिकांत, गौतम, निखिल, शिवानी, अमित, प्रीति साहू कहाँ पर है? प्रीति साहू आंसर नहीं दिख रहा बहुत देर से। आप लोग कहाँ, तो मुझसे कह रहे थे कि मैम हमें 800 क्वेश्चन दे दीजिए,
हाँ मैम, हमें 2000 क्वेश्चन दे दीजिए, और आप लोग 2000 क्वेश्चन लेने के लिए आपको रुकना भी तो पड़ेगा ना, है कि नहीं? अब आप दिखाई नहीं दोगे तो क्या करा जाएगा फिर? सही आंसर होगा, देखिए यहाँ पर ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल चेन्नई। चेन्नई में जो है, ये जो मैंने बात करी है, जो हमारा ईस्ट एशियन समिट है, ये कहाँ पर होगा? ये होगा चेन्नई में, ठीक है, यही है। अच्छा अगला प्रश्न, राजस्थान, अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल जो प्रमाण पत्र को किस शहर को समर्पित किया है? जयपुर को, जोधपुर को, कोटा को, उदयपुर को, या सीकर को? अशोक गहलोत ने, या फिर जो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल प्रमाणन को पत्र किस शहर को समर्पित करा है? इन्होंने करा है जयपुर को, ठीक है, किसको? मैम जयपुर को। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है? डीआईसीजीसी ने सभी जो बीमित बैंकों में जमाकर्ताओं के लिए एक बीमा कवरेज बढ़ा करके 5 लाख कर दिया, कितना? बीमा कवरेज पहले कितना था, मैं बात करूं 2.5, यस, अब कितना कर दिया उन्होंने? 5 लाख कर दिया। और यहाँ पर मैंने बात करी है डीआईसीजीसी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? डीआईसीजी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? उदयपुर। शशिकांत जी, किधर जा रहे हो? जाने तमन्ना किधर जा रही हो, आंसर बताएंगे? हरिद्वार, इसका हेडक्वार्टर हरिद्वार में है, मुंबई में है, गुरुग्राम में है, कानपुर में है, गांधीनगर में है। क्योंकि 2020 से अगर आपसे कोई भी करंट अफेयर पूछेगा ना, 2020 की कोई भी करंट अफेयर आप लोगों के सामने आएगी, तो आप लोग एग्जाम से, आपका जब भी एग्जाम हो, एग्जाम से 2 दिन पहले मात्र पीडीएफ पढ़ेंगे और उसके बाद जाएंगे आराम से पेपर देने, आराम से करके आएंगे, एक भी क्वेश्चन रोंग नहीं करके आएंगे, क्योंकि कहाँ से लेके आएगा, ज़्यादा क्वेश्चन थोड़ी ना होते हैं। हाँ, और 2000 से मैंने आपको 2500 का प्रॉमिस करा है, 2500 क्वेश्चन कम नहीं होते। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यहाँ पर मुंबई, जो मैंने पूछा है यहाँ पर कि जो आपका डीआईसीजीसी है, तो इसका हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में, ठीक है। अमित जी, कन्हैया जी, गौतम जी, शिवानी, निखिल, बिल्कुल मैम, एक क्वेश्चन के बाद में पीडीएफ मिल जाएगा। हाँ पीडीएफ तो मिलेगा निखिल, हाँ जितने क्वेश्चन आज होंगे टोटल उन सबका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और पीडीएफ का आपको पता है ना निखिल कहाँ मिलेगा? हाँ बिल्कुल मैम। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन ये है, यहाँ पर देखेंगे अगला क्वेश्चन कि केंद्र सरकार ने भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड भेल के विनिवेश से इनकार कर दिया है, और इसके सीएमडी कौन है? एक बात बताऊँ, जो लोग सोचते हैं कि हम पीडीएफ से पढ़ लेंगे, पीडीएफ से अगर क्लास में पढ़ लिया तो आप पीडीएफ भी पढ़ने के लिए मजबूर जरूर रहेंगे, वरना पीडीएफ पढ़ा रहेगा और आप पढ़ेंगे नहीं उसे, क्योंकि ये कंडीशन होती है, हर किसी के साथ ये सिचुएशन होती है। एमडी पात्रा, या एनएस विश्वनाथन, या बीपी कानूनगो, महेश कुमार जैन, या फिर नलिन सिंघल? तो केंद्र सरकार ने भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड भेल के निवेशक के पर इनकार कर दिया। अब इसके सीएमडी कौन है? इसके सीएमडी हैं मैम, यहाँ पर कौन है? नलिन सिंघल मैम इसके सीएमडी हैं, ठीक है। अच्छा नहीं पता, यहाँ पर मिल जाएगा, देखिए टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, आपको पता होगा PRITIKUMARI, ठीक है, 123, तो ये 123 प्रीति कुमारी 123 टेलीग्राम चैनल, इसको ज्वाइन कर लेंगे, यहाँ पर भी पीडीएफ मिल जाएगा, या फिर इस व्हाट्सएप पर ग्रुप है वहां पर भी मिल जाएगा, 7668-01-1273। अपने नाम के साथ यहाँ पर आप लोग मुझे मैसेज कर देंगे, मैं आपको वहाँ पर जोड़ दूंगी, और उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर भी सारे के सारे पीडीएफ मिल जाते हैं। रहमान खान, बाप रे बड़े लेट आ रहे हैं, हेलो रहमान जी। चलिए सही आंसर क्या होगा? हाँ सही आंसर होगा यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन 5, ठीक है, यहाँ पर नलिन सिंघल। अगला प्रश्न, किस दिन भारतीय तटरक्षक के अपना 44वां स्थापना दिवस मनाया? तो यहाँ पर किस दिन भारतीय तटरक्षक ने अपना 44वां दिवस मनाया है स्थापना दिवस? 1 फरवरी को, 1 जनवरी को, 4 फरवरी, 2 फरवरी, 4 जनवरी। ये 2020 की बात कर रही है मैंने, 2021 की बात नहीं करी है। चलिए बहुत बढ़िया, यस बिल्कुल बिल्कुल, महा लेट हो गए आप, पूरा एक घंटा लेट हो। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 फरवरी, ठीक है, यानी कि कल को हमारा 45वां स्थापना दिवस मनाएगी भारतीय तट रक्षक
ठीक है, तट रक्षक, हाँ 2021 में 45वां मनाएगी और 2020 में 44वां मनाया था। ठीक है, अगला प्रश्न, 32 भारतीय नौसेना के एक तटीय सुरक्षा अभ्यास किस अभ्यास का नाम है? तो भारतीय नौसेना ने एक तटीय सुरक्षा अभ्यास जो, यानी कि मैं बात करूँ एक्सरसाइज जो है, किस अभ्यास या किस एक्सरसाइज का नाम है? डस्टलिक एक्सरसाइज का, सहयोग काइजिन का, या यहाँ पर मतला अभियान का, टाइगर ट्राइम्प का, या सूर्य किरण का? किसका आंसर होगा? हाँ, गौतम, प्रीति, रिहान, सॉरी रहमान। बहुत बढ़िया, चलिए निखिल, अमित, प्रीति साहू, हाँ बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर मतला अभियान, तो मैंने बात करी है नौसेना ने एक तटीय सुरक्षा अभ्यास किया है, इस अभ्यास का नाम क्या है? मतला अभियान है। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है देखिए 33 का, रवि सिंह का हाल ही में निधन हो गया है, वह क्या थे? रवि सिंह क्या थे? ये उर्दू के कवि थे, कन्नड़ के कवि थे, या उड़ीसा के, उड़िया कवि थे, पंजाबी कवि थे, या फिर मलयालम कवि थे? रवि सिंह, आप मुझे बता देंगे रवि सिंह कैसे कवि थे? सेशन को लाइक करते रहेंगे, जितने भी बच्चे नए जुड़ते रहेंगे आते रहेंगे। हाँ बिल्कुल, चलिए सही आंसर होगा यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन सी। हमारे पास में मैम ये उड़ीसा के कवि थे, हमारे पास में कौन? रवि सिंह, जिनका हाल फिलहाल में निधन हुआ है। ठीक है, यस, अगला क्वेश्चन, किसने केनरा बैंक के प्रबंधन निदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पद ग्रहण किया है? हाँ भाई जी, प्रीति, ओके, गौतम कुमार, शिवानी, प्रीति, शशिकांत, निखिल आंसर क्या होगा, अमित आंसर क्या होगा? ओके चलिए सही आंसर होगा देखिए यहाँ पर बीएल वी प्रभाकर होगा, या चल्ला श्रीनिवास उल्लू सेट्टी होगा, संजीव चड्ढा होगा, या फिर अतनु कुमार दास, या जनक राज। करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया, हाँ ये पंजाब के कवि थे, नहीं ये भाई उड़िया कवि थे, सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, कौन थे? मैं बात करूँ यहाँ पर एल वी प्रभाकर, क्या होगा? एल वी प्रभाकर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है अमित जी, ओके, कुछ लोग थोड़ा पीछे चल रहे हैं क्या? अच्छा ये बात है, चलिए अगला प्रश्न है, जल्दी से पढ़ लेंगे अगला प्रश्न। देखिए क्या है अगला प्रश्न है कि किसको द बैंकर पत्रिका, क्या है? द बैंकर पत्रिका द्वारा एशिया प्रांत क्षेत्र के लिए केंद्रीय ऑफ बैंक द ईयर चुना गया है। तो भाई किसको यहाँ पर केंद्रीय बैंक ऑफ द ईयर चुना गया है? चेतन घाटे को, शक्तिकांत दास को यहाँ पर, या फिर जो पामी दुआ है इनको, या रविचंद्र एन डोलकिया को, या अजय कुमार को? सही आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया, सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? करेक्ट आंसर क्या होगा? सही आंसर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, यानी कि शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास को यहाँ पर देखेंगे, किधर गया पैर, शक्तिकांत दास को हमने क्या भाई, हमने यहाँ पर केंद्रीय बैंक ऑफ द ईयर चुना है शक्तिकांत दास को, द बैंकर पत्रिका, ठीक है, इसके द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, 36वां प्रश्न क्या कहता है कि किससे इराक के प्रधानमंत्री के रूप में अपॉइंट किया है? इराक के प्रधानमंत्री कौन होंगे? मोहम्मद अल्लावी होंगे, या बरहमन, जो बरहम सालेद होंगे, या कामिस सोलेमानी होंगे, या इस्माइल कैनी होंगे, या टीवी यहाँ पर सोमनाथन होंगे, कौन होंगे भाई? ओके आंसर देंगे शिवानी जी, गौतम जी, आर्यन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बाकी बाकी का क्या हालचाल है? निखिल, प्रीति साहू, अरे वाह, वेरी गुड, चलिए आंसर देते रहेंगे फ्रेंड्स।
सही आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा मैम यहाँ पर ऑप्शन ए, मोहम्मद अलावी। कौन होंगे? मोहम्मद अलावी होंगे मैम हमारे यहाँ पर। कौन होंगे मोहम्मद अलावी आपके यहाँ पर? मैम हमारे यहाँ पर ना इराक के प्रधानमंत्री होंगे मोहम्मद अलावी, ठीक है। अरे वाह, वेरी गुड। इस बार तो क्या बात अमित, कहाँ जा रहे हो? किसने बता दिया ऑप्शन फोर मोहम्मद अलावी? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आमिर, वेरी गुड। नाम देखना पड़ेगा आपका, है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलते, नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, किसको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एएसआई अमेरिकियो और प्रशांत द्वीप समूह सलाहकार आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो भाई किसको अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, ठीक है, एशिया अमेरिकी और फ्रांस द्वीप समूह का सलाहकार आयोग का सदस्य के रूप में नियुक्त किया है? किसको भाई यहाँ पर, किसको यहाँ पर बताएंगे? विश्व जो विश्व तीर्थ है इनको, अरुण जगन्नाथन को, प्रेम परमेश्वरन को, या मदन लाल को, या आरपी सिंह को। आज आप लोग बिल्कुल भी क्लास से जाएंगे नहीं, ठीक है। शानुल्ला खान, अरे वाह शानुल्ला खान, कहाँ थे आप? आप लोग क्लास से मुझे बिल्कुल भी बाहर नहीं देखने चाहिए, क्योंकि आज मैं जितनी देर आपके साथ, जब तक मैं बैठूंगी तब तक आपको बैठना है, ठीक है। हाँ, सही आंसर होगा मैम यहाँ पर ऑप्शन सी, प्रेम परमेश्वरन। आप लोग को नाम इतना बढ़िया, प्रेम है, प्रेम परमेश्वरन को जो है यहाँ पर अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसे ही अमेरिको प्रांच द्वीप जबू समूह का सलाहकार आयोग सदस्य का नियुक्त किया है, ठीक है। हाँ मैम बिल्कुल ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38 क्या है देखिए यहाँ पर, किस दिन महिला जननांग, किस दिन महिला यहाँ पर जननांग विकृति के विरुद्ध शून्य सहनशीलता के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महिला जननांग विकृति विरुद्ध शून्य सहनशीलता के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी, 1 फरवरी, 4 फरवरी, 6 फरवरी, या फिर 9 जनवरी को? ओके, हाँ बहुत बढ़िया जी शिवानी, अमित जी आंसर, प्रीति, गौतम, ओके, सानुल्ला खान जी, क्या है सही आंसर? बताएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर देते रहो भाई, आंसर नहीं आ रहे, बहुत ही कम लोगों के आंसर आ रहे हैं। कन्हैया आंसर, अमित, आर्यन, आर्यन मैसेज आने बंद हो गए। प्रश्न पढ़ो तुरंत आंसर दो, प्रश्न पढ़ो तुरंत आंसर दो। सही आंसर होगा यहाँ पर 6 फरवरी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया करेक्ट आंसर होगा। 6 फरवरी को महिला जननांग विकृति विरुद्ध शून्य सहनशीलता अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, वेरी गुड शिवानी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है कि किस शहर में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सी फूड शो, क्या सी फूड शो? तो सी फूड शो यानी कि IIS के 22वां संस्करण का आयोजन होगा। तो जो सी फूड शो का जो 22वां संस्करण होगा ये चेन्नई में होगा, विशाखापत्तनम में होगा, कोच्ची में होगा, हैदराबाद में होगा, लोथल में होगा? सही आंसर क्या होगा? हाँ बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय फूड शो, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सी फूड शो का जो 22वां संस्करण होगा ये होगा आपका कहाँ पर मैम? कोच्ची में होगा, ठीक है, कोच्ची इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। अगला प्रश्न, बहुत बढ़िया, नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं, ठीक है, वाह। अगला क्वेश्चन किसने, अगला प्रश्न है, किसने कोल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष प्रबंधक निदेशक, ठीक है, प्रबंधक निदेशक के रूप में पदभार संभाला है? तो कोल इंडिया लिमिटेड के जो नए अध्यक्ष प्रबंधक निदेशक बने हैं, मैं बात करूं यहाँ पर चेयरमैन और यहाँ पर जो मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं, तो वो कौन बने? चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने भाई यहाँ पर? जो तरनजीत सिंह सिंधु हैं ये बने हैं, या विनय मोहन क्वात्रा हैं ये बने हैं, या अजय विसारिया हैं ये बने हैं, प्रमोद अग्रवाल हैं ये बने हैं, अरविंद कृष्ण हैं ये बने हैं? अब मुझे बताएंगे, बहादुर कहाँ चले गए थे आप इतनी देर से? राकेश कुमार, वेरी गुड, वेलकम राकेश, अब आए हैं बच्चे यार, 30+ बच्चे कर दो तो मजा नहीं आ जाए क्लास में, 30+ बच्चे कर दो एक बार, जितने भी फ्रेंड है बुला के लेके आओ, चल पढ़ यहाँ बैठ के, पूरा करंट अफेयर पढ़। चलिए, सही आंसर क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फोर इज द करेक्ट आंसर, प्रमोद अग्रवाल। मैम प्रमोद अग्रवाल को हमने कोल इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक बनाया है, ठीक है, यस, कोल इंडिया। चलिए भाई नेक्स्ट, अगले प्रश्न, यस बिल्कुल बिल्कुल शिवानी जी, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, यस अमित जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सानुल, क्या नाम है आपका? सनाउल्ला खान, ओके,
नेक्स्ट 41 क्या कहता है, किसको पैराओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया इसके अध्यक्ष बनाया गया। तो देखिए किसका, पैराओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, पैराओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं ये विनोद कुमार यादव बने हैं, सुलक्षण नाइक बने हैं, दीपा मलिक, यहाँ पर सतेंद्र कुमार सैनी या अर्जुन मुंडा, अब आप मुझे बताएंगे। ओके कम था, कोई दिक्कत नहीं, काम भी करना चाहिए। सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी, ठीक है, क्या होगा, दीपा मलिक। हमने दीपा मलिक को जो है यहाँ पर पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया इनके जो चेयरमैन बनाए हैं, ठीक है, तो कौन बनाए हैं, प्रेसिडेंट इनके, इनके प्रेसिडेंट बनाए हैं पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के मैम दीपा मलिक इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड अमित जी। ओके कौन कौन सही आंसर दे रहा है, हाँ दीपा मलिक शिवानी करेक्ट आंसर दे रही हैं, राकेश जी कहाँ जा रहे हैं, सतेंद्र कुमार सैनी पर, ओके आर्यन वेरी गुड, अमित जी बहुत बढ़िया, बहादुर शाह वेरी गुड, आके आगे आगे किन का आंसर है, बहुत बढ़िया प्रीति जी, बहुत बढ़िया, तेजी से आंसर करो भाई जल्दी से, सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की बात करें तो ट्रस्ट का प्रमुख कौन होगा। आपको पता होगा कोई भी मंदिर बनाया जाए या कोई भी क्षेत्र बनाया जाए उसके लिए एक ट्रस्ट बनता है, ट्रस्ट मतलब एक निधि खाता होता है, ये निधि की मैं बात करूँ, यानी कि जिसमें जिस खाते में जिस अकाउंट में इस यानी कि टेम्पल से संबंधित इस धरोहर से संबंधित पैसा जमा किया जाता है कि उस पर खर्च किया जाएगा उस मंदिर पर उस धरोहर पर उस स्थल पर उस क्षेत्र पर, ठीक है, तो इसके ट्रस्ट का प्रमुख कौन होगा जो इस पर निधि पर जो प्रमुख रखा जाएगा। यहाँ पर लिंगम वेंकट प्रभाकर होंगे या नृपेंद्र मिश्रा होंगे या के परासन होंगे, अतनु कुमार दास होंगे, हरीश सालवे होंगे। ओके ओके बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया, आर्यन आर्यन जी, अमित बहादुर, प्रीति साहू, क्या आंसर होगा, राकेश शिवानी, सानुल्ला खां जी, ओके खां साहब कहते हैं आपको, खां साहब जी, बहादुर शाह, बहादुर साहू जी, गौतम, निखिल, ओके क्या बात है, सही आंसर क्या होगा, सेशन को लाइक तो आप लोगों की जिम्मेदारी होगी, करते रहेंगे, सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा के परासन, क्या होगा, के परासन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला प्रश्न क्या है, देखिए किस राज्य में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नए प्रमुख बंदरगाह की स्थापना के लिए सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी है। अब इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी है, किसने, यानी कि हमारी भारत सरकार ने दी है, और किसको दी है, नए प्रमुख बंदरगाह के लिए, तो नया कोई प्रमुख बंदरगाह बनेगा, हाँ मैम, और ये स्थापना के लिए जो सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी है, सैद्धांतिक चीजों को देखते हुए, ठीक है, ये गोवा को दी है, गुजरात को दी है, कर्नाटक को दी है, केरल को दी है या महाराष्ट्र को दी है, अब मुझे बताएंगे सही आंसर क्या होगा, बिल्कुल बिल्कुल, चलिए शिवानी बिल्कुल, अमित, आर्यन जी, गौतम, बहुत बढ़िया, अमित बहादुर और खान साहब जी, चलिए राकेश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर देंगे, बहुत बढ़िया, सही आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा मैम यहाँ पर ऑप्शन फाइव, महाराष्ट्र सरकार की बात करेंगे तो महाराष्ट्र सरकार में पहली बात ये बंदरगाह बनेगा, ठीक है, इसकी स्थापना के लिए सैद्धांतिक रूप से मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा दी गई है, यानी कि भारत सरकार के द्वारा, महाराष्ट्र होगा, खान साहब महाराष्ट्र, बिल्कुल बहादुर जी, शिवानी बिल्कुल, प्रीति नहीं प्रीति बेटा, महाराष्ट्र, ठीक है। अगला प्रश्न, मैम महाराष्ट्र गोवा आसपास पड़ते हैं ना इसलिए हम कंफ्यूज हो रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य की पुलिस सेवा ने, किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं के लिए व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू करी है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली बात तो महिलाओं के लिए व्हाट्सएप हेल्पलाइन किस राज्य ने शुरू करी है, पुलिस के द्वारा, पुलिस फोर्स के द्वारा शुरू की गई है, उत्तर प्रदेश ने, उत्तराखंड ने, राजस्थान ने, असम ने या फिर बिहार ने, मुझे आंसर देंगे, बहुत बढ़िया, तो महिलाओं की हेल्प के लिए व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर पुलिस के द्वारा शुरू की गई है, किस राज्य सरकार की पुलिस ने यह कदम उठाया है, बता देंगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड पुलिस की बात करूं, उत्तराखंड पुलिस ने महिलाओं के लिए व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू करी है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बेटा यूपी नहीं होगा, यूपी ने कुछ नहीं करा अभी, यूपी ने तो, हाँ यूपी ने तो एक कांड होने के बाद करा है, बिल्कुल, राकेश जी, खां साहब जी, इंद्रजीत, अरे भाई कहाँ चले गए थे इंद्रजीत, अमित वेरी गुड, बहुत बढ़िया, प्रीति चलिए बहुत बढ़िया, सही आंसर ऑप्शन बी होगा, उत्तर प्रदेश नहीं होगा, करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल चलिए, हाँ अमित दो दो आंसर दे रहे हो, क्या बात, नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या, देखिए किस देश की नौसेना ने आधिकारिक तौर पर पनडुब्बी यानी कि INS की बात करूं तो पनडुब्बी INS सिंधु भी
इसको शामिल किया है, जिसे अक्टूबर 2020 में भारतीय नौसेना ने देश को सौंप दिया था। कौन सा देश है, किस कौन से देश ने निम्नलिखित में से, यानी कि म्यांमार और अंडोरा, यूएस, मलेशिया या फिर यूएई, कौन से देश की नौसेना ने आधिकारिक तौर पर पनडुब्बी, किस पनडुब्बी का नाम क्या है मैम, INS, क्या नाम है, INS, इसका नाम है सिंधुवीर, इसको शामिल किया है, जिसे अक्टूबर 2020 में भारतीय नौसेना को दे दिया था। भाई कौन से किस देश की है, हाँ बिल्कुल, हेलो नितिन कुमार टीकेडी, बड़े लेट आ रहे हो नितिन जी, क्या बात है, हद कर दी आज आपने तो। ओके चलिए, अनिकेत जी वेरी गुड मॉर्निंग, बड़े लेट आ रहे हो, ओके ओके ओके, चलिए सही आंसर होगा यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन है, ठीक है, करेक्ट आंसर होगा म्यांमार। ये कहाँ की है मैम, ये म्यांमार की पनडुब्बी थी, म्यांमार की पनडुब्बी थी INS सिंधुवीर, INS सिंधुवीर म्यांमार की नौसेना पनडुब्बी थी, और इसको हमने जो है भारत के नौसेना को दे दी, ठीक है, और ये 2020 में भारतीय नौसेना को हमने सौंप दिया। अब इस पे वर्क कौन करेगा, भारतीय नौसेना, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, पहली बात कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन है, कौन है मैम, डॉक्टर हर्षवर्धन परिवार कल्याण मंत्री है, ठीक है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, इनको ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन द्वारा, क्या है मैम, यहाँ पर GAVI बोर्ड, यानी कि GAVI बोर्ड में सदस्य नामित किया गया है, सचिवालय कहाँ है अब मुझे बता देंगे, GAVI का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, सॉरी जो सेक्रेटरी जनरल है वो कहाँ पर है इसका, हाँ बिल्कुल सचिवालय कहाँ पर है, बहुत बढ़िया, हद हो गई आज तो, बिल्कुल हद हो गई, सही आंसर क्या होगा, अनिकेत, राकेश, करैया, राकेश नाम आज ऐसे याद आ रहा है, कन्हैया बहादुर, शिवानी, अमित खां साहब, बहुत बढ़िया, राकेश कुमार आंसर क्या होगा, चलिए बहादुर, गौतम, हाँ रंजन, चलिए प्रीति, सही आंसर होगा मैम यहाँ पर, सही आंसर होगा ये, हमने जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका क्या है यहाँ पर सचिवालय है, कहाँ पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। मैथ की क्लास मिस करनी पड़ी मैम आपकी क्लास के लिए, हाँ इतना प्यार, अरे वाह क्या बात है एक गाना सूट करता है, जाने कैसे पता ना चला कि वो मुझे प्यार करती है, सही आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, बहुत बढ़िया, क्या कह रहे हैं आर्यन, कह रहे हैं अच्छा ड्यूटी में हो, कोई बात नहीं, ड्यूटी से क्लास ले रहे हो, अरे वाह, ये देखो आपने मैथ की क्लास छोड़ी है, उन्होंने ड्यूटी में ले रहे हैं क्लास, सही आंसर क्या होगा, हाँ ऑप्शन है, बिल्कुल बिल्कुल नितिन जी, बहादुर जी, खां साहब बिल्कुल, अमित बिल्कुल बिल्कुल, निखिल बिल्कुल, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 47, किसने बेलग्रेड सर्बिया में यहाँ पर इंडिविजुअल रेसलिंग विश्व कप में रजत पदक जीता है, तो देखिए इंडिविजुअल रेसलिंग में जो रजत पदक जीता है ये किसने जीता है, अतनु दास ने, दूती चंद ने, सात्विक साईराज यानी कि रंकी रेड्डी ने, चिराग शेट्टी ने, अंशु मलिक ने, किसने जीता है मुझे बता देंगे, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आंसर देंगे, ओके चलिए बताएंगे सही आंसर क्या होगा, हाँ बिल्कुल सही है अनिकेत जी, ओके शिवानी जी, अच्छा तुक्का मार रही हूँ, तुक्का भी सही जा रहा है, वेरी गुड, चलिए सही आंसर क्या होगा, अरे मैं तो एसी फैन पंखा पता नहीं क्या क्या, हीटर भी कुछ दिन में, मतलब हीटर फैन पंखा एसी पता नहीं, चलिए सही आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 5 इज द करेक्ट आंसर, अंशु मलिक, अंशु मलिक जो है इन्होंने, आपको पता होगा बेलग्रेड सर्बिया में जो इंडिविजुअल रेसलिंग विश्व कप हुआ है, तो ये जो रजत पदक जीता है अंशु मलिक ने जीता है, ठीक है, बहुत बढ़िया अमित जी, बिल्कुल हाँ बिल्कुल 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 शिवानी, वेरी गुड, अगला प्रश्न क्या है, देखिए किस देश ने यहाँ पर 2026 के अंत तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना बनाई है, चंद्रमा पर 2026 तक पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित कर देगा, अब कौन सा देश ऐसा कह रहा है, फ्रांस ने ऐसी ये योजना बनाई है, फिनलैंड ने बनाई है, नीदरलैंड ने बनाई है, USA ने बनाई है या मैक्सिको ने बनाई है, कौन से देश ने यह योजना बनाई है, खां साहब अभी नहीं, चलिए हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलिए वेरी गुड, किस देश ने बनाई है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, USA ने, किसने, USA ने योजना बनाई है कि हम 2026 के लास्ट तक चंद्रमा पर अपना परमाणु, पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित कर देंगे, ये बोलने वाला कौन है, USA, ठीक है, प्रीति जी, बहादुर, ओके सानखुल्ला, ओके सॉरी खां साहब जी, अनिकेत, बहुत बढ़िया,
अमित, बहुत बढ़िया, आंसर नहीं आ रहा, बहुत नितिन, आंसर नहीं आ रहा नितिन जी, ओके अमित जी, बहादुर, ओके राकेश कहाँ चले गए भाई, क्या बात, गौतम जी कहाँ चले गए, चलिए सही आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा यूएसए। अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन, किस बैंक ने जरूरत के लक्ष्य और आधारित जीवन बीमा समाधानों की पेशकश करने के लिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैं बात करूँ ICICI यानी कि प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की घोषणा की है। अब किसने करी है इसके साथ, लक्ष्मी विलास बैंक ने करी है, HDFC बैंक ने करी है, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने करी है यहाँ पर, या ESFB ने करी है, IPPB ने करी है, किसने करी है मुझे आप बता देंगे, चलिए करेक्ट आंसर क्या होगा बता देंगे, वेरी गुड प्रीति, बड़े दिन से दिखाई नहीं दे रही थी आप, चलिए सही आंसर क्या होगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर देते रहेंगे, सही आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि AU स्मॉल फाइनेंस बैंक यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न क्या है, देखिए कौन सा बैंक 4.5 करोड़ रुपए में ऑनलाइन स्कूल प्रबंधन मंच, ठीक है, जिसका नाम क्या है, माई क्लास बोर्ड, ठीक है, यहाँ पर एजुकेशनल, यहाँ पर यानी कि सॉल्यूशन, माई क्लास बोर्ड एजुकेशन सॉल्यूशन में 9.09% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा। अब देखिए 4.5 करोड़ रुपए लेकर के कितने, 4.5 की वैल्यू कितने के साथ रखेगा, यानी कि 9.09% हिस्सेदारी करेगा और ऑनलाइन स्कूल प्रबंधन मंच में। अब कौन सा हिस्सेदारी करेगा, कौन सा बैंक होगा इसके साथ बताएंगे आप मुझे, जियो भुगतान बैंक है यहाँ पर, या ICICI बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, पंजाब नेशनल बैंक है, या एक्सिस बैंक है, सही आंसर क्या होगा आप लोग मुझे बता देंगे, बहुत बढ़िया, यस यस यस, चलिए सही आंसर होगा यहाँ पर आप लोगों का, सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है, करेक्ट आंसर होगा ICICI बैंक, कौन होगा, ICICI बैंक इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बहादुर जी, कृष्णा पंडित, अरे भाई कृष्णा पंडित क्या बात, बंक मार दी क्या आज, हाँ बताएंगे सही आंसर क्या होगा, बहादुर वेरी गुड, अनिकेत, प्रीति, चलिए गौतम, शिवानी, कन्हैया, खां साहब कहाँ चले गए, चलिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है, बहुत बढ़िया, ICICI बैंक। अगला प्रश्न क्या है नेक्स्ट, अगला प्रश्न कह रहा है कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने, यहाँ पर मैं बात करूँ, सटलर निकिता यानी कि जो मैं बात करूँ खाकी मोड पर सट्टेबाजी और जुआ, अनियमित मैच परिणामों के आरोप पर इनको 5 साल पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब वे किस देश के, बस ये बता दो कि यहाँ पर हमने देखा है जो निकिता खाकी मूव हैं, तो निकिता खाकी मूव पर इन्होंने सट्टा लगाया, तो और सट्टा लगाने की वजह से इन्होंने जो ये मैच पर सट्टा लगाया इनकी वजह से ने 5 साल के लिए इन पर प्रतिबंध लगाया गया है, और ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। अब बस इतना बता दो निकिता है कहाँ की, वियतनाम की है निकिता, वियतनाम की है, यूनाइटेड किंगडम की है, ब्रुनेई की है, रूस की है, या सऊदी अरब की हैं, कहाँ की हैं पंडित जी, ओके प्रीति, अनिकेत, अमित, कन्हैया, बहादुर, शिवानी, सही आंसर क्या होगा, बहुत बढ़िया, बंक मार दी, अरे वाह आप तो कोचिंग से मार देते हो, हम तो ट्यूशन से भी मार लेते थे, ट्यूशन में भी मतलब हमने जो फीस रहती थी पूरी दे दी, और उसके बाद में हम क्या कहते थे, सर आपको फीस से मतलब होना चाहिए, हमसे मतलब होना चाहिए, सर कहते थे क्यों, हम कहते थे सर बस आप कुछ भी कर रहे करो, पर हमें ना 3-4 दिन की छुट्टी दे दिया करो एक हफ्ते में, बोले 7 दिन होते हैं, 4 दिन तुम्हें दे दी, 3 दिन पढ़ के क्या तुम्हारा बाप भी पास नहीं होने का, ऐसे ही बोलते थे हमसे सर, हम कहते थे सर खैर हम पास हो गए ही दिखाएंगे, पर वाकई हम भी पास हुए थे, मैथ में हमने भी 75% लेकर के आए थे, अपने टाइम की बात कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल, मतलब हमारे टीचरों को यकीन नहीं होता था, ये कहते थे कि कहीं टिप्पा ना मार लिया, पर उन्हें ये यकीन था कि टिपते नहीं है, चाहे कितनी भी हरामपंथी कर ले पर टिपते नहीं है बच्चे हमारे, चलिए बहुत बढ़िया प्रीति, बहादुर बहुत बढ़िया, गौतम बहुत बढ़िया, आमिर, चलिए सही आंसर क्या होगा यहाँ पर, रसिया इज द करेक्ट आंसर, रसिया इज द करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है यहाँ पर, किस IIT के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विज्ञान से 135 करोड़ रुपए के यहाँ पर वित्त पोषण के बाद मानव रहित हवाई वाहन, ठीक है, दूर से संचालित वाहनों के लिए स्वायत्त नेविगेशन पर एक नया प्रौद्योगिकी नवचार हब मिला है।
अब मुझे बताएंगे यहाँ पर एक नया प्रौद्योगिक नवचार हब मिला है तो ये कहाँ पर किसके लिए मिला है। चलिए यहाँ पर IIT मुंबई को मिला है या फिर IIT हैदराबाद, IIT मद्रास, IIT कानपुर, IIT फोपड़। सही आंसर क्या होगा? हाँ बिल्कुल। पता है आप लोगों को मैं एक बार की बात बताती हूँ, एक एक लड़का था हमारे साथ में, तो वो लड़का मतलब जब कभी कभी हम क्लास में जब हिस्ट्री पढ़ते थे तो हमें समझ तो आती नहीं थी, ट्वेल्थ क्लास में कि मैं बात करूँ, ट्वेल्थ में भी नहीं टेंथ क्लास में, तो हमें हिस्ट्री समझ में तो आती नहीं थी। और जब हम कभी कभी साथ में पढ़ लेते थे, हमारे पास हिस्ट्री वैसे थी भी नहीं, आगे आके ट्वेल्थ में भी नहीं थी, कॉमर्स ही था पूरा, वो लड़का मतलब ऐसा था हिस्ट्री में, जब उसको एक बार टीचर ने खड़ा करा तो टीचर ने खड़ा करा उससे पूछा कि भाई हिस्ट्री में जो है वो पूछ रहा था कि लगभग उसने क्या पूछा था, शायद किसी का नाम पूछा था, पता नहीं किसका नाम पूछा था कि औरंगजेब का बाप कौन था या फिर उसने शाहजहां का बाप पूछा था, इनमें से मुगल सल्तनत में से एक का पूछा था। तो वो क्या कहता है कि सर एक बात आप मुझे बताओ कि ये बात मैं कैसे बता दूं, मैं उस समय पर था नहीं कि आप उस समय पर नहीं थे, और सर ये सैद्धांतिक रूप से मैं क्यों मान लूं। वो मतलब वो बंदा ऐसा था, उसे जबरदस्ती जो है आर्ट साइड दिलवाई गई थी, वो बंदा था साइंस में, अब उसको साइंस समझ आती थी, आर्ट साइड आती नहीं थी, और वो बंदा कभी आता था कभी नहीं आता था। मतलब वो एक पूरे 30 दिन में वो जो क्लास में आता था, 30 दिन में वो लगभग 4 से 5 दिन आता था, और वो अब्सेंट रहता था, अब्सेंट भर मार फाइन देता था वो क्लास में। तो कह रहा क्लास में उसको खड़ा करा गया, सर ने कहा कि हाँ भाई बताओ कि यानी कि जो जो भी था मुगल सल्तनत में कि उसका पिता कौन था। तो कह रहा सर एक बात बताओ, ये तो मुझे समझ नहीं आता, और ऊपर से तो आप मुझसे इनके पिताजी के नाम पूछ लेते हो, मेरे पिताजी पूछो, किसी और के पिताजी पूछ लो, और अपने उसके फ्रेंड थे 3-4 लड़के एक साथ में रहते हैं जैसे, तो उसका जो ग्रुप था उनसे कह रहे इनमें से किसी एक के भी पापा का नाम पूछ लो, मैं आराम से बता सकता हूँ, बट सर उसका नहीं पता। तो कह रहे क्यों, और फिर उसके बाद वो जो उसका वहाँ से मतलब हटवा दिया उसको कि यार चलो ये साइंस इसको समझ आती है, इसको हम एक काम करते हैं साइंस समझ आती है साइंस में डाल देते हैं, आया हमारी क्लास में कॉमर्स में। अब कॉमर्स में जब वो हमारे साथ आया तो वो वही था सैद्धांतिक रूप से चलने वाला बंदा था, वो मतलब वो पूरे तरीके से वो प्रूफ पर चलता था, सैद्धांतिक रूप पर चलता था। तो कॉमर्स में जब हम BCom में पहुंचे तो वही उसकी हैबिट थी, कभी कभी होती ना बहुत सारे लड़कों की कि वो सैद्धांतिक पर काम करते हैं, सैद्धांतिक पर, ठीक है। हाँ यही बोला कि मैं उस वक्त पैदा नहीं हुआ था, तो वो पूरा सिद्धांतिक बंद भाई पता नहीं किस क्वालिटी का बना हुआ था। एक मिनट मेरी बात सुनेंगे। तो सर ने क्या बोला, सर ने कहा हम मतलब कॉमर्स की क्लास में बैठे थे तो काउंटिंग के हमें बैच दिए जाते थे, तो काउंटिंग बैच हम कंप्लीट कर रहे थे अपने। अब उसमें जो हम जैसे हमें ब्यौरा दिया जाता था कि किसी भी एक कंपनी का मिल जाता था कि इस कंपनी को पूरे के ब्यौरे को आपको काउंटिंग बैच में काउंट करना है, हम वही काम कर रहे थे। तो पता उसकी क्लास भी चल रही थी, उसे बेचारे को कॉमर्स दिलवा दी, अब था वो साइंस का सैद्धांतिक रूप से काम करने वाला। तो ऐसे ही बात चल रही थी, एक पेपर था, एक बच्चे ने सर ने कहा कि आप लोग जो हो कि बंदर की प्रजाति में से हो, बोले कि आप लोग बंदर की प्रजाति में से हो। तो पता उसका जवाब ही क्या था, इतना जबरदस्त जवाब था कि सर मैं कैसे मान लूं कि हम बंदर की प्रजाति में से, कि बोले क्यों कि सर मैंने देखा नहीं ना किसी को बनते हुए। अब आप उसकी जो है ये मतलब बात आप देख सकते हो कि बोले कि सर मैं कैसे मान लूं, जैसे उसकी हिस्ट्री समझ में आती नहीं थी, हिस्ट्री बिल्कुल भी, बोला कि सर मैं कैसे मान लूं कि नहीं आप लोग जो थे, मैं बात करूं आप लोगों की कि अगर हम देखें जो इतिहास में पाषाण काल देखें, पूर्व पाषाण काल देखें, तो उस समय पर हम लोग बंदर के जैसे थे, हमारी बॉडी पर बहुत बाल हुआ करते थे और हम झुक के चला करते थे। सर मैं कैसे मान लूं, मैंने देखा ही नहीं कि कैसे, सर मैंने आज तक किसी इंसान को बंदर से इंसान बनते हुए नहीं देखा। बोले भाई बहुत समय पहले हो चुका, बोला कि नहीं मतलब उसकी मूर्खता कहूँ या सिद्धांतिक कहूँ, पता नहीं अजीब थी, बहुत अजीब थी, इतनी अजीब, कह रहा मैं मान नहीं सकता। सर कह रहे क्यों भाई कि नहीं, तो बच्चों ने सर को समझाया, सर आप समझ जाओ ये नहीं समझ सकता, सैद्धांतिक बंदा है, और आज तक भी वो बंदा सैद्धांतिक रूप पे चलता है, जबरदस्त आदमी है। फिर से ट्वेल्थ करी, मतलब 5 साल के बाद ट्वेल्थ करी उसने, और इतना सैद्धांतिक बंदा था वो। यस मतलब सर कह रहे हैं कि यार तू बंदर से इंसान बनते हुए देखेगा, कह रहा अरे सर मैं कैसे मान लूं, मैंने किसी को देखा ही नहीं।
गजब का बंदा था यार, बिल्कुल गजब का। अगर किसी टीचर ने आके कुछ भी बोल दिया तो कहता था सर मैं कैसे मान लूं, मैंने किसी को देखा ही नहीं। मतलब वो कहता था रिकॉर्ड करता हूँ ना मैं अपनी सारी चीजें। और बंदे की एक चीज क्या, डायरी साथ में रखता था, जो भी चीज देखता था सारा डायरी में नोट कर देता था। मैंने कहा तेरी माइंड मेमोरी वीक है क्या? तो कह रहा क्यों। मैंने कहा तू रिकॉर्ड क्या करता? अच्छा फोटो के लेती हो आप इतने, आपकी माइंड मेमोरी वीक है क्या? क्यों देखती रोज रोज अपने आप को? मैंने कहा यार भाई इसके पल्ले पड़ा बहुत बेकार आदमी है। चलिए दलील देने में तेज था महा, बिल्कुल। चलिए हाँ 800 प्लस क्वेश्चन होगा। यस अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है यहाँ पर कि किस जिले में केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन हिमालय क्षेत्र में समुद्र तल से यहाँ पर 3500 मीटर की ऊंचाई पर भारत के सबसे अधिक ऊंचाई पर वन मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन करेंगे? अब मुझे बताएंगे बिल्कुल कहां पर। लो नहीं किया बेचारे को, लो करने ही नहीं दिया। उसके पिताजी जो थे ना, उसके पिताजी कहते थे तुझे साइंस नहीं दिलवाऊंगा, जिस दिन साइंस दिलवा दे तो आइंस्टीन बन जाएगा। लेह लद्दाख था या फिर मंडी हिमाचल प्रदेश में, उत्तरकाशी उत्तराखंड यानी कि कोहिमा नागालैंड में या नैनीताल में? सही आंसर क्या होगा आंसर बताएंगे। तो काम ही ऐसे करता था आइंस्टीन वाले, पागल रहता था पूरा दिन, बट भागे दिमाग लगाता था वो कुछ। चलिए सही आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा वो, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। मतलब वो ना हर किसी पर जवाब दे देता था। लेह लद्दाख में आपको पता होगा, देखिए हमने भी केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान, जो मैं बात करूँ कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन, इन्होंने हिमालय क्षेत्र में समुद्र तल से 3500 मीटर ऊंचाई पर एक सबसे बड़ी ऊंचाई पर एक मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। ये प्रश्न आप लोगों से पूछा भी गया था कि मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो आपको पता होना है कि लेह लद्दाख में मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है। ये प्रश्न मैंने आप लोगों को कई बार बताया भी है ना। Yes. अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए यहाँ पर कि पूर्व पेशेवर पहलवान जॉन हुमर, जिन्हें यहाँ पर WWE में अनेक रिंग नेम यानी कि ल्यूक हार्पर के नाम से जाना जाता है, इनका निधन हो गया, तो किस देश के थे? अब एक प्रश्न आया था ल्यूक हार्पर किस कंट्री के हैं, तो ल्यूक हार्पर कहाँ के हैं? सऊदी अरब के हैं, इटली के हैं, इंडोनेशिया के हैं, अमेरिका या फिर ब्राजील? वैसे तर्क पे चलना बहुत अच्छा लगता है, मतलब कभी चीजों को समझने का मौका मिलता है। सही आंसर क्या होगा, देखिए ये अमेरिका के हैं। कहाँ के हैं ये? अमेरिका है के हैं, जो आपके ल्यूक हार्पर है। ठीक है अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है देखिए, मैं बात करूं यहाँ पर, जो यहाँ पर आपका एयर एशिया ग्रुप ने क्या करा है यहाँ पर, यानी कि जो ब्रांड के जो एयर एशिया इंडिया ठीक है लिमिटेड यानी कि AI में जो है 37.7 मिलियन के लिए 32.67% हिस्सेदारी बेचने के लिए टाटा सोनास प्राइवेट लिमिटेड ठीक है यहाँ पर इसके साथ जो है एक शेयर रसीद समझौते को अंजाम दिया, और इसके साथ जो है यहाँ पर एयर एशिया इंडिया में टाटा की हिस्सेदारी 51% से बढ़ा करके कितनी 83.67% हो गई है। अब ये एयर एशिया ग्रुप जो है यहाँ पर बैरहेड किस देश की कंपनी है, बस इतना बता दो कहाँ की कंपनी है ये। चलिए यूएस की है, यूके की है, जर्मनी की, जापान, मलेशिया, कहाँ की होगी? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 5। ठीक है ऑप्शन 5 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, मलेशिया। ठीक है ये मलेशिया की कंपनी है। अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अमेजन ने भारत में अपने बाजार भुगतान थोक व्यापार इकाइयों में वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान ठीक है यहाँ पर यानी कि 11,400 करोड़ रुपए से लगभग 1.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश किया। अब अमेजन के सीईओ कौन है, बस इतना बता दो अमेजन के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई हैं या जेफ बोजोस हैं, सत्य नडेला हैं, काइली जेनर हैं या कान्ये बेस्ट हैं? हाँ अमेजन के सीईओ कौन है, अमेजन के सीईओ कौन है जल्दी से मुझे बता देंगे? चलिए यस हाँ सही आंसर क्या होगा, अनिकेत जी, कन्हैया, अमित, वेरी गुड, बहादुर आंसर क्या होगा, शिवानी, मधु शुक्ला, मधु क्या बात है मधु जी, यस ओके, शक्तिकांत, शशिकांत, ओके, चलिए बहुत बढ़िया। सही आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन बी। मैम जेसेफ बेजोस की बात करें तो जेसेफ बेजोस जो हैं आपके अमेजन के कौन हैं मैम, अमेजन के सीईओ हैं। ठीक है यस अगले प्रश्न की तरफ बात करते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन,
अगला प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ पर भारतीय रेलवे के जो आधुनिकीकरण की बात करें, भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण और सुधारों के लिए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए किसको इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यानी कि IET द्वारा इमिनेंट इंजीनियर अवार्ड फॉर द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर IET के द्वारा एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड फॉर द ईयर 2020 किसको प्रोवाइड किया गया, VK यादव को, बजरंग पुनिया को, एलावेनिल मालारिवन को, कैरोलिना अराजू को या फिर सांगे चौडेन वांगचुक को, किसको दिया है ये अवार्ड। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सही आंसर क्या होगा, वेरी गुड वेरी गुड, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, VK यादव को ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पर आप देख लेंगे, मैं बात करूँ बजरंग पूनिया, तो बजरंग पूनिया को किसने मैम फीफा इंडिया स्पोर्ट अवार्ड मिला है 2020 का, मैं बात करूँ तो यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, हाँ बिल्कुल आपको जो मैं बात करूँ मेल वाला, ठीक है, मेल स्पोर्ट ऑफ द ईयर की मैं बात करूँ अवार्ड जो है यहाँ पर, यानी कि फीफा मेल स्पोर्ट ऑफ द अवार्ड जो मिला है, ठीक है, तो ये स्पोर्ट में 2020 का बजरंग पूनिया को मिला है। आगे मैं बात करूँ कौन है मैम यहाँ पर, इलवानी है, तो इनको कौन सा अवार्ड मिला है, इनको फीमेल स्पोर्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। ठीक है, मैं बात करूँ FICCI का, ठीक है, इंडिया सपोर्ट अवार्ड 2020 का। आगे एक नाम हो रहा है, क्या नाम है, कैरोलिना, तो इनको कैरोलिना को 2020 का कौन सा मिला है, रामानुजन प्राइज मिला है। ठीक है, यंग, तो बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, मैथमेटिक्स में मिला है। आगे बात करें यहाँ पर अगला क्या है, देखिए अगला यहाँ पर मैं बात करूँ कौन है, संज्ञा, तो इनको जो मिला है संज्ञा को, तो इनको किस में मिला है मैम, इनको 2020 का अवार्ड मिला है UN, ठीक है, हाँ पॉपुलेशन अवार्ड मिला है, ये ध्यान में रखेंगे, और NGO हेल्पलाइंस इंडिया के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, 58वां प्रश्न क्या रहा है, इन परसुइट ऑफ जस्टिस किसकी आत्मकथा है, तो आप मुझे बता देंगे यहाँ पर राजेंद्र सच्चर की है, माधव भंडारी की, जयराम रमेश की, अमित आहूजा की, कैलाश सत्यार्थी की, किसकी है, हाँ बिल्कुल यस, विनोद कुमार बिल्कुल CEO हैं रेलवे बोर्ड के, हाँ बहादुर साहू, मधु जी, अमित राजन, अनिकेत, शशिकांत, चलिए वेरी गुड, शिवानी क्या होगा बेटा आंसर, यस, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा यहाँ पर राजेंद्र सच्चर, देखिए राजेंद्र सच्चर की आत्मकथा है कौन सी, तो ये राजेंद्र सच्चर की आत्मकथा है इन परसुइट ऑफ जस्टिस। ठीक है, आगे बात करते हैं, देखिए अच्छा एक नाम है यहाँ पर, मैं बात करूँ माधव, तो माधव वन, जब माधव की बात करूँ, इनकी भी पुस्तक है क्या है, अयोध्या, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, जहरमान की पुस्तक है, ठीक है, आप लोगों को पता होगा नाम, बस इतना लाइट ऑफ फेस ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, बिल्कुल, आगे एक और याद रखेंगे, एक क्वाइड की, आगे एक अमित जी की है, अमित अंबुज की, कौन सी है यहाँ पर, मोबाइलिंग द यहाँ पर, और एक और है यहाँ पर मैं बात करूँ क्या है, कैलाश। ठीक है, तो जो मैं बात करूँ कैलाश की क्या है, COVID-19, बस इस पर लिखी हुई पुस्तक है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 59 पर चलते हैं, 59, नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि किस शहर में एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किया जाएगा। अब देखिए मल्टी लॉजिस्टिक पार्क जो बनेगा कहाँ पर बनेगा, हसर तमिलनाडु में बनेगा, जयपुर राजस्थान, गुवाहाटी असम, देहरादून उत्तराखंड या सिलचर असम। तो जो हमारे पास में एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनेगा ये कहाँ पर बनेगा, नितिन गडकरी के द्वारा बनेगा। नितिन गडकरी कौन है, नितिन गडकरी किस मंत्रालय के, हाँ किस मंत्रालय के अधीन है, अमित राजन, ओके अनिकेत, बहादुर साहू, शक्तिकांत, शशिकांत, चलिए प्रीति साहू कहाँ चली गई, क्लास में नहीं है क्या प्रीति साहू, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर होगा आप लोगों का सिलचर असम, बिल्कुल 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 अनिकेत करेक्ट आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, गुवाहाटी असम नहीं है, सिलचर असम है, ऑप्शन 5 सिलचर असम, बिल्कुल सिलचर असम होगा, बिल्कुल बिल्कुल बहादुर जी, हाँ बिल्कुल, और मुझे तो दिक्कत नहीं कि मैं बात रह गई है ना, इसलिए इतना सब है क्या,
और इसमें पता नहीं क्या हो जाता है। ये बड़ा ही करता है। हेलो फ्रेंड्स, ओके भाई क्या बात है, आ जाइए जल्दी से सभी लोग। कहाँ वापस आ जाइए, कहाँ चले गए आप लोग, वापस आ जाइए। मतलब मुझे उठने नहीं दोगे क्या, उठने नहीं दोगे क्या? चलिए जल्दी से आ जाइए सभी लोग, वापस आ जाओ मेरे प्यारों, वापस आ जाओ। कहाँ चले गए, मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे, सच बता रही हूँ, बहुत पछताओगे। चलिए जल्दी से आ जाइए, नेट प्रॉब्लम कर रहा है बहुत मैम। हाँ मेरा नेट प्रॉब्लम कर रहा है। अरे कंचन क्या बात है, कंचन भी आ गई क्या क्लास में? ओके चलिए, सभी लोगों का वेलकम है, जल्दी से आ जाएंगे बाकी सब लोग। चलिए तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। अरे क्या बात है, उठना दिक्कत है, उठने में गड़बड़ हो जाती है। चलिए प्रेजेंट अटेंडेंस लगवा दो, कौन कौन प्रेजेंट है। अमित जी प्रेजेंट है, बहुत बढ़िया अमित। यस अमित, हाँ हाँ आप हो क्लास में, मधु जी क्लास में हो, कंचन क्लास में है, अनिकेत क्लास में है, बाकी बाकी कहाँ चले गए भी मुझे छोड़ के? कंचन मैम, अच्छा पहले भी थी, अरे वाह क्या बात है, मैंने देखा नहीं था। कृष्णकांत पंडित जी, अरे कुछ नहीं हुआ बस। चलिए क्लास में है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके प्रश्न की तरफ चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे जाते आते रहना चाहिए, एक साथ नहीं बैठ सकते ज्यादा लंबा टाइम में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखेंगे किस बैंक ने घोषणा की है कि वह फास्ट टैग जारी करने के लिए इसके यहाँ पर गूगल पे के साथ भागीदारी करेगा, तो ये आईसीआईसी बैंक ने करी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, किस देश में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021 में भारतीय मिशन, देखिए भारतीय मिशन खोलने को मंजूरी दी है, तो भारतीय मिशन खोलने को मंजूरी दी है किसने दी है? एस्टोनिया ने, पराग्वे ने, या फिर यहाँ पर जो डोमिनिकन गणराज्य इसने, या फिर कतर ने, या फिर पहला दूसरा तीसरा तीनों ने दी है। ओके हाँ बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। खुशबू नहीं आ रही पढ़ने, पता नहीं क्यों नहीं आ रही। हाँ शशिकांत जी, ओके कंचन बिल्कुल सही, कंचन जी, शशिकांत जी, कृष्णकांत जी, शिवानी, अमित, बहादुर, बहुत बढ़िया अनिकेत। सही आंसर क्या होगा, मतलब मैं मेरे जाने के बाद आप लोगों को भी ऐसा लगा होगा है ना कि मैम पता नहीं कहाँ चली गई यार, मैम दिखाई नहीं दे रही। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए सही आंसर क्या होगा जल्दी से मुझे बता देंगे। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फाइव इज द करेक्ट आंसर, ये सभी ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, थोड़ा स्पीड के साथ चलूंगी मैं, बहुत सारे क्वेश्चन है। पूर्वोत्तर के पहले विशेषीकृत यानी कि अदरक प्रसंस्करण प्लांट को पुनर्जीवित किया गया है और यह किस जिले में है? तो जो पूर्वोत्तर का मैं बात करूं, अदरक प्रसंस्करण प्लांट की बात करी है, तो ये कहाँ पर है? ग्वालियर मध्य प्रदेश में है, ओरछा मध्य प्रदेश में है, देहरादून उत्तराखंड में है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, या री भोई मेघालय में है? कहाँ पर होगा आप लोग मुझे बता देंगे। मधु जी, अनिकेत जी, कंचन जी, कन्हैया जी, बहुत बढ़िया। कृष्णकांत, अरे वाह अनिकेत, मैं आपका नाम लेते हुए हंसती हूँ। अरे वाह कृष्णकांत जी क्या बात है, मतलब हंसो भी ना, क्या बात है यार, कभी तो मुझे इजाजत दे दिया करो कि मैम हाँ हंस लिया करो आप। चलिए सही आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर री भोई मेघालय, करेक्ट आंसर होगा री भोई मेघालय। आपका नाम लेके भी हंसूंगी। हाँ अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए कैबिनेट ने किस मिसाइल सिस्टम के निर्यात को मंजूरी दे दी?
तो कैबिनेट ने किस मिसाइल के सिस्टम निर्यात को मंजूरी दे दी? सूर्य को, आकाश को, रुद्रम प्रथम को, सेंट को या पृथ्वी से थर्ड सेकेंड को? चलिए आंसर देंगे। बहुत बढ़िया, यस बिल्कुल। चलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा, आकाश। तो कैबिनेट ने जो मिसाइल सिस्टम को निर्यात के लिए मंजूरी दी है कि हम निर्यात कर सकते हैं, आकाश मिसाइल को हम निर्यात कर सकते हैं, इसके लिए जो है हमें कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। ठीक है, अगला प्रश्न, नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन क्या है देखें यहाँ पर। रेल मंत्रालय ने वर्ष 2020 में रेल मंत्रालय की उपलब्धियों की एक पुस्तिका जारी की है, इस पुस्तिका का शीर्षक क्या होगा? तो रेल मंत्रालय ने वर्ष 2020 में रेल मंत्रालय की जो उपलब्धियों की एक पुस्तिका जारी की है, इसका शीर्षक क्या होगा? एक आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट होगा, या फिर यहाँ पर लेट अस ड्रीस होगा, या फिर माई लाइफ इन डिजाइन, या ए प्राइम लैंड होगा। सही आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया अमी जी, सही आंसर क्या होगा? अमित जी, शशिकांत, सही आंसर क्या होगा? मधु जी, कन्हैया जी, अनिकेत जी, शिवानी जी, कृष्णकांत, आंसर क्या होगा सही? बहुत बढ़िया कृष्णकांत, आपने तो मैसेज ही डिलीट कर दिया, मतलब। चलिए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण यहाँ पर, ठीक है। रेलवे मंत्रालय की उपलब्धि में एक पुस्तिका जारी की गई है जिसका नाम है आत्मनिर्भर भारत का निर्माण, ठीक है, 2020 में। नेक्स्ट, यस अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है? डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना के साथ गोवा के तट से आईएल यानी कि 38 एसडीएल की बात करूं, एसडी विमान भारतीय नौसेना ने भारत के पहले स्वदेशी रूप में इसको डिजाइन और विकसित किया है, तो ए ड्राफ्ट कंटेनर का सफलता पहला परीक्षण जो किया है ये किसने किया है, मुझे बता देंगे? सही आंसर क्या होगा? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, यस यस, करेक्ट आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ओके, सही आंसर होगा यहां पर, आप लोग मुझे बता देंगे करेक्ट आंसर, ध्रुव वस्त्र होगा, अग्निप्रस्थ होगा, या फिर ओफेल 16 होगा, या फिर यहाँ पर जो अमेजोन या प्रथम होगा, सायक एनजी होगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 5, सायक एनजी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखेंगे, 66 क्वेश्चन नंबर 66 क्या है यहाँ पर देख लेंगे जल्दी से, क्या कहता है देखिए। अक्टूबर 2021 में चौथी एशियाई युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जाएगी? तो 2021 में चौथी एशियाई युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित की जाएगी? कुवैत शहर कुवैत में, या फिर टोक्यो के जापान में, पेरिस फ्रांस में, लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया यूएसए में, बीजिंग चीन में? सही आंसर क्या होगा? कंचन यादव, ओके बहादुर जी, मधु, शिवानी, करेक्ट आंसर क्या होगा? अमित, अनिकेत, अच्छा राकेश क्लास में नहीं दिखाई दे रहे, बहुत सारे बच्चे क्लास में नहीं दिखाई दे रहे, वो बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर होगा कुवैत शहर में आयोजित की जाएगी। मैम कहाँ पर की जाएगी? मैम कुवैत शहर के कुवैत में आयोजित की जाएगी ये चौथी एशियाई युवा चैंपियनशिप की मैं बात करूंगी, यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो होगी ये मैम एक कहाँ पर होगी? कुवैत में होगी, ठीक है, 2021 की। अगला प्रश्न इसमें देख लेंगे, मैं बात करूँ यहाँ पर एशियन रिस्क की बात करें तो वॉल्किन चैंपियनशिप जो होगी यहाँ पर ये कब होगी मैम? तो इसका जो शेड्यूल है यहाँ पर मैं बात करूँ 21 मार्च को होगी 2021 में, ठीक है, नौमी में होगी जापान, ठीक है इसमें, और ये हाँ कोविड के इस वजह से। अगला प्रश्न क्या है, किसने बच्चों के लिए गणेश जी पर एक किताब वाहक मास्टर क्लास लॉन्च की है? ये आप लोगों को कई बार आपने सुना होगा, गणेश जी पर एक किताब मास्टर वाहक लॉन्च करी है किसने? अल्फ्रेडो कोवेली ने, सुभा शर्मा ने, या शिव थानु पिल्लई ने, रमेश पोखरियाल निशंक ने, सैम डेल सिक ने? सही आंसर क्या होगा? ओके, अच्छा राकेश गन्ना लेकर मेल पर गया, काफी काम करना पड़ा राकेश को भी आजकल, बिल्कुल। चले शशिकांत जी, मधु जी, अनिकेत, शिवानी, कृष्णकांत जी, ओके, कंचन, अमित, बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर क्या होगा?
सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर सी अल्फ्रेडो कोवेली। अल्फ्रेडो कोवेली ने ये पुस्तक जो है गणेश जी पर एक किताब वाहक वाहन मास्टर क्लास लॉन्च की है। ठीक है कहाँ के ये कोई मुझे बताएगा? अल्फ्रेडो कोवेली मैम यूके। अगला प्रश्न, विदेश राज्य मंत्री मुरलीधरन ने दुनिया भर में भारतीय प्रवासी के साथ जुड़ने के लिए कौन सा पोर्टल मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो करियर या फिर PR इनसाइड या फ्रूट्स या परिश्रम या ग्लोबल प्रवासी रिश्ता। तो कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? 68 का करेक्ट आंसर क्या होगा मुझे बता देंगे? यस बिल्कुल सही आंसर होगा ग्लोबल प्रवासी रिश्ता। देखिए ग्लोबल प्रवासी रिश्ते की बात करूं तो ग्लोबल प्रवासी रिश्ता ये ऐप लॉन्च किया है। ठीक है मोबाइल ऐप लॉन्च किया है किसके साथ? भारतीय प्रवासियों के साथ जुड़ने के लिए किसने? मंत्री वी मुरलीधरन ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या, मद्रास उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो मद्रास उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं संजीव बनर्जी को, राजीव चौधरी को, हरपाल सिंह को, उत्पल कुमार सिंह को या फिर वर्षा जोशी को। तो देखिए मद्रास उच्च न्यायालय के जो मैं बात करूँ चीफ जस्टिस बनाए गए हैं वो संजीव बनर्जी बनाई गई हैं। ठीक है अगला प्रश्न क्या है, देखिए जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जम्मू और कश्मीर लद्दाख उच्च न्यायालय के जो मुख्यमंत्री बने हैं पंकज सॉरी न्यायाधीश के मुख्य न्यायाधीश बने हैं ये पंकज मित्तल बने हैं, संदीप कटारिया बने हैं, कुलदीप हांडू, अक्षय कुमार या अनिल सोनी बने हैं। सही आंसर क्या होगा शिवानी जी? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए पंकज मित्तल को हमने जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस बनाया है। ठीक है अगला प्रश्न क्या है, किसको भारत निर्वाचन आयोग में उपचुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसको भारत निर्वाचन आयोग में उपचुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? सुनील अरोड़ा को, राजीव कुमार को या सुशील चंद्र को, उमेश सिन्हा को या हेमा कोहली को? तो सही आंसर क्या होगा, देखिए उमेश सिन्हा इज द करेक्ट आंसर। उमेश सिन्हा को भारत निर्वाचन आयोग में उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। ठीक है बिल्कुल यस अनिकेत जी, शशिकांत जी, बहादुर जी, चलिए मधु, शिवानी। अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पर अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने, ध्यान देंगे, किस राज्य सरकार ने किसान फसल राहत योजना शुरू की है? किसान फसल राहत योजना आंध्र प्रदेश ने शुरू की है, झारखंड ने शुरू की है, जम्मू और कश्मीर ने शुरू की है, असम ने या फिर त्रिपुरा ने? सही आंसर होगा देखिए झारखंड सरकार ने किसान फसल राहत योजना शुरू करी है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा किसान फसल राहत योजना शुरू करी गई है। ठीक है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ओके हाँ बिल्कुल। चलिए भाई आंसर देते रहेंगे सभी फ्रेंड। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो, तो इसरो के अध्यक्ष कौन है? आप बता देंगे VK सारस्वत हैं, अमित खरे हैं, सुखवीर संधू हैं, के शिवन हैं या अमित शाह हैं? इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? आप लोग मुझे आंसर बता देंगे इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? चलिए बहुत बढ़िया, इसरो के अध्यक्ष के बारे में मैंने आप लोगों से प्रश्न पूछा है। बहुत बढ़िया करेक्ट आंसर होगा KC1 इज द करेक्ट आंसर बिल्कुल ऑप्शन 4 यहाँ पर KC1 इसरो के अध्यक्ष हैं। ठीक है वर्तमान में अगला प्रश्न क्या है देखिए यहाँ पर किसने नए साल में कोरोना महामारी से निपटने के लिए नया मंत्र दवाई भी कड़ाई भी दिया है? तो नए साल में जो है हाल फिलहाल में अभी ठीक है तो किसने ये बोला है कि दवाई भी कड़ाई भी किसने ये बोला है, ये नया मंत्र किसने बोला है? आप लोग मुझे बताएंगे यहाँ पर किसने बोला है। चलिए आप लोगों के लिए पोल आ रहा है, हाँ नरेंद्र मोदी ने, रामनाथ कोविंद, M. वेंकैया नायडू, हरिवंश नारायण सिंह या ओम बिरला? तो सही आंसर क्या होगा आप लोग मुझे बता देंगे करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, पता नहीं कृष्णकांत पंडित जी अब तो पता नहीं कौन से दिन बीत गए। चलिए
नरेंद्र मोदी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा यहाँ पर, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। नरेंद्र मोदी ने इस महामारी से निपटने के लिए दवाई भी और कड़ाई भी बोला, नया मंत्र दिया है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, देखिए ध्यान देंगे इधर, एक महान पर्वतारोही कर्नल रिटायर है, सेवानिवृत्त का नाम क्या है मुझे बता देंगे, जिनका अभी हाल फिलहाल में निधन हुआ है, क्या नाम है भाई इनका, हाँ मोदी जी ने दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, बिल्कुल नहीं, ओके वापस मिलेंगे फिर, अनअकैडमी की क्लास लेके वापस आओ। चलिए क्या नाम है इनका, डी एथीराज है, एस मुरलीधरन है, एसली मुरलीधर, या नरेंद्र कुमार है, या श्रीपति खांचनाले है, या रोड डैम नरसिम्हा है, सही आंसर क्या होगा, देखिए करेक्ट आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, नरेंद्र कुमार इज द करेक्ट आंसर, इनका नाम नरेंद्र कुमार है, जो पर्वतारोही कर्नल रहे थे और रिटायर हो चुके हैं, इनका हाल ही में निधन हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, ओडिशा संगीत निर्देशक का क्या नाम है जिनका हाल ही में निधन हो गया है, तो ओडिया संगीत निदेशक हैं ये जिनका निधन हुआ है, शांतनु महापात्र हैं, या एरिक फ्रीमैन हैं, मोतीलाल बोरा हैं, जॉन एड्रिक हैं, यहाँ पर सुगाता कुमारी हैं, चलिए बहुत बढ़िया, यस बिल्कुल बिल्कुल बहादुर जी, ओके हाँ बिल्कुल, मधु जी शिवानी बिल्कुल बिल्कुल, एक घंटे के बाद आइएगा, बिल्कुल वेलकम है आप लोगों का, चलिए सही आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अगले प्रश्न, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए रक्षा मंत्रालय ने 135 करोड़ रुपए की लागत से भारतीय नौसेना सीमावर्ती युद्ध पोतों के लिए यहाँ पर 100 लिंक्स, यानी कि मैं बात करूँ U2 फायर कंट्रोल सिस्टम खरीद के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, तो BEL का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आप मुझे बता देंगे यहाँ पर कि BEL का मुख्यालय कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, चलिए फ्रेंड्स बताएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा, बेंगलुरु में है, बेंगलुरु कर्नाटक, हैदराबाद में है, गुरुग्राम में है, जयपुर में है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, आप लोग आंसर देते रहेंगे, मैं कंटिन्यू चलती रहूंगी, ठीक है, ओके यस बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, बेंगलुरु कर्नाटक में है, ठीक है, चलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है, देखिए किस राज्य ने शिव योजना शुरू की है, तो किस राज्य सरकार ने शिव भोजन योजना गुजरात ने शुरू की है, राजस्थान ने शुरू की है, असम ने, महाराष्ट्र ने, उत्तर प्रदेश ने, सही आंसर क्या होगा, देखिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने यहाँ पर शिव भोजन योजना शुरू करी है, ठीक है बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न क्या है, किसको आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में अनेक अनुकरणीय योगदान के लिए, ठीक है, प्रतिष्ठित चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया, टोनी जोसेफ को, बरिंदर सिंह योगी को, अजीत डोभाल, प्रियंका चोपड़ा, ग्रेटा थुनबर्ग को, सही आंसर होगा वरिंदर सिंह योगी, इनको वरिंदर सिंह योगी को 2019 अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है, चैंपियन ऑफ चेंज के, ठीक है। अगला प्रश्न, किस देश ने यहां पर परमाणु सक्षम सतह से सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल, क्या नाम है, गजनवी का सफल प्रशिक्षण लॉन्च किया है, सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है, गजनवी नाम है इसका, अब इसका जो प्रशिक्षण किया है पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश या इरिट्रिया, सही देश होगा, सही आंसर अपना पड़ोसी देश होगा पाकिस्तान इज द करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल, ठीक है चलिए हाँ बिल्कुल ओके बिल्कुल, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या होगा, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है, यहां देख लेते हैं, अगला प्रश्न है यहां पर, कौन अपने हिंदी उपन्यास यानी कि बलवा का विमोचन करेंगे, तो कौन अपने हिंदी उपन्यास बलवा का विमोचन करेंगे, वासदेव मोही करेंगे, मुख्तार अब्बास नकवी, नासिर शर्मा, माधुरी विजय, या फिर अक्तम अचुतान नाथम बकरी, चलिए सही आंसर क्या होगा, ओके 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 हाँ बिल्कुल सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी, मुख्तार अब्बास नकवी जो हैं ये अपने मैं बात करूँ हिंदी उपन्यास मलवा का विमोचन करेंगे, ठीक है, अमित, बहादुर, अनिकेत, मधु,
हाँ थोड़ा मैं स्पीड के साथ कंटिन्यू चलती रहूंगी तो आप लोग मेरे साथ चलते रहेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न, दत्तू भोकानल किस खेल से संबंधित हैं? तो दत्तू भोकानल किस खेल से संबंधित हैं? वुशु से हैं, रोइंग से हैं, या रॉयकलिंग से हैं, भारतोत्तोलन से हैं, या क्रिकेट से हैं? तो दत्तू भोकानल जो हैं ये आपके रोइंग खेल से संबंध रखते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है, देखिए ग्रीन पीस इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार झरिया भारत का सबसे प्रदूषित शहर है, ठीक है। ग्रीन जो हमारे पास में ग्रीन इंडिया रिपोर्ट आई है उसने क्या बोला है कि झरिया जो है भारत का सबसे प्रदूषित शहर है। अभी किस राज्य में पड़ता है झरिया? मिजोरम में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ या बिहार? किस राज्य में? झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, मिजोरम। झरिया कहाँ पड़ता है मधु जी, यानी कि अमित, बहादुर? चलिए सही आंसर होगा मैम, ये पड़ता है झारखंड में, पड़ता है झरिया, ठीक है जी। अगला प्रश्न, किसको आपदा प्रबंधक में उनके सराहनीय कार्य के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए चुना गया है? कुमार मुन्नन सिंह, या फिर यहाँ पर अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर यानी मैं बात करूँ यहाँ पर डेस्टर को और एक व्यक्ति और है, यहाँ पर मैं बात करूँ क्या नाम है यहाँ पर मैंगमैन को, या फिर जो यहाँ पर जो जिम्बनी टुंडी को, या फिर टोनी एनसिंग को, या पहले और दूसरे दोनों व्यक्ति? सही आंसर होगा ऑप्शन फाइव, यानी कि कुमार मुन्नन सिंह, और ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, किस शहर में इनोवेशन फेस्टिवल आयोजित किया गया था? किस शहर में इनोवेशन फेस्टिवल आयोजित किया गया? ईटानगर में, या फिर उखरूल में, शिलांग में, ग्वालियर में, या अहमदाबाद में? इनोवेशन फेस्टिवल जो आयोजित किया गया है ये कहाँ पर किया गया, आप लोग आंसर देते रहेंगे। अनिकेत बिल्कुल, शशिकांत बिल्कुल, मधु जी बिल्कुल, बहादुर साहु वेरी गुड, मधु ओके, सही आंसर क्या होगा अमित जी, ईटानगर में किया गया है इनोवेशन फेस्टिवल लॉन्च। अगला प्रश्न, किस राज्य ने 25 जनवरी 2020 को अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया? तो 25 जनवरी 2020 को किस राज्य ने अपना 50वां स्थापना दिवस और 51वां स्थापना दिवस 2021 में मनाया? किसने मनाया? उत्तर प्रदेश ने, त्रिपुरा ने, या फिर मेघालय, या फिर मणिपुर, या फिर हिमाचल प्रदेश? सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही आंसर। हिमाचल प्रदेश ने अपना यहाँ पर 25 जनवरी को, ठीक है बिल्कुल, 2021 की बात करेंगे तो अपना कौन सा 51वां स्थापना दिवस बनाया, ठीक है। अगला प्रश्न जी बिल्कुल, कंचन यादव यस, आंसर ई सही होगा, अनिकेत वेरी गुड बहुत बढ़िया, बहादुर जी वेरी गुड बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने डैश डैश में दो नागरिक पुरस्कार भारत रत्न और पद्म विभूषण की स्थापना की है, भारत सरकार ने, और किसमें दो नागरिक पद्म विभूषण रत्न पुरस्कार पद्म विभूषण की स्थापना की है? 1954 में, 1955, 1956, 1952, 1953। सही आंसर क्या होगा आप लोग मुझे बता देंगे, करेक्ट आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन ए, 1954। 1954 में भारत सरकार ने दो नागरिक पुरुष भारत रत्न, देखिए पुरस्कार भारत रत्न और पद्म विभूषण, ठीक है, इन सम्मान की स्थापना करी थी। अगला, किस शहर में तीसरा वैश्विक आलू कन्वीन जो कौन मैं बात करूँ कौन क्लेव है तो ये आयोजन किया गया, कौन से शहर में तीसरी वैश्विक आलू कौन क्लेव लैब का आयोजन किया गया है? गांधीनगर में, अहमदाबाद में, गुवाहाटी में, हैदराबाद में, या फिर चेन्नई में? अमित, मधु, अनिकेत, सही आंसर कंचन, नेट स्लो चल रहा है अच्छा इसलिए आंसर लेट जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है बहुत बढ़िया। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गांधीनगर में, करेक्ट आंसर क्या होगा, गांधीनगर में, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन है, किस शहर में भारत ब्राजील व्यापार मंच आयोजित किया गया? तो भारत ब्राजील मंच व्यापार आयोजित किया गया किस शहर में? मुंबई में, नई दिल्ली में, पुणे में, या फिर गुरुग्राम में, या फिर नोएडा में? सही आंसर होगा नई दिल्ली इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न, भारत ब्राजील ने डैश डैश तक 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर के व्यापार का लक्ष्य रखा है, 2022 तक, 2026 तक, 2020, 2024, 2028।
सही आंसर होगा 2022 तक भारत, ब्राजील ने 2022 तक 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर व्यापार का टारगेट रखा है। ठीक है, अगला प्रश्न। ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ से देश के प्रस्थान को चिन्हित करने के लिए एक नया 50 पेंट सिक्का का अनावरण किया है। ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? तो बस इतना बता देंगे, क्योंकि आपको पता होगा ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ देश के प्रस्थान को चिन्हित करने के लिए 50 पेंस सिक्का लॉन्च किया है। अनावरण किया इसका। अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? बोरिस जॉनसन, पेड्रो सांचेस या फिर ग्यूसेप कॉन्टे, जस्टिस ट्रूडो या सना मैरिन। कंचन, शशिकांत, अनिकेत, बहादुर, अमित एंड मधु। बोरिस जॉनसन प्रधान के कौन है, सॉरी ब्रिटेन के कौन है? यहाँ पर जो प्रधानमंत्री हैं ये कौन है? बोरिस जॉनसन। ठीक है, अगला प्रश्न। कौन सा राज्य है पहले खेले इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी करेगा? तो पहले खेले इंडिया गेम्स यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी करेगा कौन सा शहर करेगा, राज्य करेगा? ओडिशा करेगा, मध्य प्रदेश करेगा, आंध्र प्रदेश करेगा, केरल या फिर कर्नाटक। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन ए, यहाँ पर ओडिशा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न क्या? जनता दल एस के वरिष्ठ नेता अमरनाथ सेट्टी का हाल ही में निधन हो गया, वह 80 वर्ष के थे, तो वह किस राज्य के पूर्व मंत्री थे? आप लोग मुझे बता देंगे किस राज्य के पूर्व मंत्री रहे हैं ये। चलिए, कर्नाटक के, केरल के रहे हैं, तमिलनाडु के, तेलंगाना के या फिर आंध्र प्रदेश के। जनता दल यानी कि एस पार्टी से थे, जनता दल से वरिष्ठ नेता रहे थे अमरनाथ सेट्टी और इनका हाल फिलहाल में निधन हो गया है। ठीक है, तो ये जो हमारे कर्नाटक के पूर्व राज्य यानी कि पूर्व जो है हमारे कर्नाटक के पूर्व राज्य मंत्री रह चुके हैं। अगला प्रश्न क्या है? नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन यानी कि NBA की बात करें तो दिग्गज कोबे ब्रांट जो ब्रांट का हाल ही में निधन हो गया, वह किस देश से थे? तो मुझे बता देंगे दिग्गज कोबे ब्रांट जो हाल ही में निधन हुआ किस देश के रहे हैं ये? इसराइल के, अमेरिकी, जापान, रूस या फिर कनाडा। ओके कंचन जी, अमित, कंचन, बहादुर, मधु, शशिकांत। अच्छा, मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगे आप? वेरी गुड, लगता भी नहीं है कि कहीं जाओगे, वापस तो आओगे। आंसर देंगे और बताओ हालचाल, कैसी चल रही क्लास? सचिन बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अमेरिका के। सही आंसर होगा अमेरिका के। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। भारत सरकार ने एयर इंडिया में 100% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा कर दी है, एयर इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? एयर इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लखनऊ में, गुरुग्राम में, नई दिल्ली, कानपुर, वाराणसी। सही आंसर होगा यहाँ पर, देखिए मैं बात करूँ, नई दिल्ली में एयर इंडिया का हेडक्वार्टर है। ठीक है, यस। अगला प्रश्न आगे क्या? मार्जिन सरेक ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में इस्तीफा दे दिया है? तो मार्जिन सेरेक ने किस देश के प्रधानमंत्री थे और इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? नाइजर के थे या फिर स्लोवेनिया के थे, टैगो के थे, सेनेगल के थे या बुर्किना फासो के थे? यस, मैम हम तो कहीं नहीं जाएंगे, मगर हो तो बात नहीं मानती हो हमारी, तो क्यों भाई ऐसा क्या, आपकी क्या बात है जो मैंने नहीं मानी? बात तो मैं किसी की भी नहीं मानती हूँ, बात तो मैं किसी की भी नहीं मानती हूँ। आपको मैं एक बात बताऊँ, आप हमेशा वो कंडीशन क्रिएट करो कि हमें जो है किसी से परमिशन, किसी की बात मानने की जरूरत ना पड़े, बस उसे बताना पड़े। जब मैं दिल्ली पहली बार गई थी तो मेरे पापा जी ने कहा कि मैंने अपने पापा जी, मैं आप लोगों को बता दूँ, उस वक्त जो मैं दिल्ली गई थी तो मैं मुरादाबाद ही थी और मेरी अनअकैडमी पर तब क्लास चल रही थी, काफ़ी सारी क्लासेस चल रही थी, तो नेटवर्क इशू की वजह से मैं दिल्ली चली गई थी यहाँ से। मेरे पापा जी ने कहा कि मैंने फ़ोन कर रहा था कि पापा मुझे दिल्ली जाना है, पापा ने कहा अच्छा पूछ रही हो या फिर परमिशन ले रही हो? मैंने कहा पापा बता रही हूँ आपको, ना पूछ रही हूँ ना परमिशन ले रही हूँ, मैं बता रही हूँ बस कि मुझे दिल्ली जाना है। तो मम्मी ने कहा वैसे करना था तुम्हें अपने मन का ही है। मम्मी को डर था
ऐसे में मतलब मैं पहले अकेले नहीं रही हूँ कहीं भी ऐसे, तो मम्मी ने कहा कोई बात नहीं भाई को भेज देते हैं साथ। तो भाई ने कहा कि अच्छा अभी भी हम इसके साथ जाएंगे, मतलब वही वाली बात की हमारे साथ तो ये कहीं जाती नहीं है। मैंने कहा वैसे भी तुम लेके बड़े जाते हो। और दूसरी बात फिर मैंने तभी सोचा कि कंडीशन हमेशा ऐसी बताओ कि फैमिली वालों से अलग तो कभी मत जाओ, कभी मत पा, लेकिन कंडीशन ऐसी बनाओ कि मात्र हमें चीज़ों को किसी से परमिशन ना लेनी पड़े, बताना पड़े। अगर हाँ वो गलत है तो फैमिली वाले बताएंगे थोड़ा देख लेना इस तरीके से भी है बस। यस, तो मैंने आज तक खैर परमिशन किसी भी काम के लिए किसी से नहीं लिया, और इतना ओहदा मैंने अपने पापा से अलग किसी को नहीं दिया। सही आंसर होगा स्लोवानिया, करेक्ट आंसर होगा स्लोवानिया, यहाँ पर स्लोवानिया इज द करेक्ट आंसर। ठीक है स्लोवानिया, बिल्कुल बिल्कुल मधु जी, बिल्कुल बिल्कुल शशिकांत जी, वेल बिल्कुल, चलिए स्लोवानिया इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है देखिए, यहाँ पर अभय सिंह किस खेल से संबंधित है? अभय सिंह वुशु खेलते हैं, यस किस खेलते हैं, रोइंग खेलते हैं, साइकिलिंग है, या फिर जॉन यहाँ पर बाउल्स। सही आंसर क्या होगा? मैम ये स्क्विश खेलते हैं। किस खेल से संबंधित है? स्क्विश से। अगला प्रश्न, किसको एशियाई टेनिस महासंघ ATF के आजीवन अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया? अब ATF के आजीवन अध्यक्ष कौन बनाए गए? आजीवन अध्यक्ष AP माहेश्वरी, अनिल खन्ना, दत्ता पड्डसलीकर, या फिर HS अरोड़ा। सही आंसर क्या होगा? मैम अनिल खन्ना को, यहाँ पर अनिल खन्ना को हमने टेनिस महासंघ के आजीवन अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। अगला प्रश्न, किस राज्य को अपनी पहली यानी कि पहली हाथी कॉलोनी मिली है? तो किस राज्य को अपनी पहली हाथी कॉलोनी मिली है आप मुझे बताएंगे। सही आंसर होगा मध्य प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को, केरल को, गुजरात को, उत्तराखंड को। मैम मध्य प्रदेश को यहाँ पर हाथी कॉलोनी मिली है पहला राज्य। क्या बोल रही हैं, ये कौन सा खेल होता है, कौन सा, बुसु? किसकी बात कर रही हो कंचन? चलिए अगला प्रश्न, किस लोकमान्य देखिए किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार से किसको सम्मानित करा गया है? वासुदेव मोही को, संजय गुप्ता को, नाशीरा शर्मा को, माधुरी विजय को, या फिर यहाँ पर अक्तम अचूता नाथुम्बनी को? तो लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया है, सही आंसर होगा संजय गुप्ता इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। हमने संजय गुप्ता को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। अगला प्रश्न, किस राज्य में मीठे पानी के कछुओं के पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन किया है? प्रश्न आएगा मीठे पानी के कछुओं के पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो आप लोग बताएंगे राजस्थान में, बिहार में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, या फिर झारखंड। सही आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बिहार राज्य में मीठे पानी के कछुओं का पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन किया गया है। ठीक है चलिए, ओके ओके, अल्लाह का बंदा, वेरी गुड आफ्टरनून अल्लाह का बंदा। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है, इसरो ने किस परियोजना के तहत एक ऑप्टिकल टेलीस्कोप स्थापित करने के लिए भारतीय खगोल भौतिक संस्था के साथ एक एग्रीमेंट किया है? किस परियोजना, देखिए इसरो ने किस परियोजना के तहत ऑप्टिकल टेलीस्कोप स्थापित करने के लिए भारतीय खगोल भौतिकी संस्था के साथ एक एग्रीमेंट किया है? अब मुझे बता दीजिए इस पर हस्ताक्षर करने कौन सी है, बहादुर, व्योमोत्री, या मणि, मधु, या फिर नेत्रा? तो आप मुझे बताएंगे सही आंसर क्या होगी। बहुत बढ़िया, अच्छा आदिल हो, अरे वाह क्या हाल चाल है आदिल, बताएंगे सही आंसर क्या होगा। मैम नेत्रा इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 5 बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है वेरी गुड, चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है देखिए, किसने कर्नाटक के दक्षिण पश्चिम कन्नड़ जिले में क्या है, सुरतकल राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, ठीक है NIT के अंतरिक्ष के लिए एक क्षेत्रीय शैक्षणिक केंद्र स्थापित किया है? इसरो ने, DRDO ने, पृथ्वी मंत्रालय ने, विज्ञान मंत्रालय, यहां पर मैं बात करूं CSIR ने, किसने किया है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर क्या होगा? बहादुर, अमित, अनिकेत, छुट्टी पे चले गए क्या अनिकेत? अच्छा आंसर क्या होगा करेक्ट, बहादुर जी, शशिकांत, अल्लाह का बंदा। हाँ लाइक कर देंगे सभी लोग जो लोग नए हैं पहली बार हैं। ठीक है ओके,
करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है, ठीक है, इसरो। किसने किया है? इसरो ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, किस देश के साथ भारतीय सेना, किस देश के साथ भारतीय सेना AK-203 यानी कि असॉल्ट राइफल खरीदने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर करेगी? इसराइल, USA, जापान, फ्रांस या फिर रूस? सही आंसर होगा रूस। रूस जो है, रूस ये जो है, रूस के साथ भारतीय सेना जो है AK-203 असॉल्ट राइफल खरीदने के लिए एग्रीमेंट करेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई है? आप बताएंगे, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मिजोरम, मेघालय। सही आंसर होगा मध्य प्रदेश, इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल मध्य प्रदेश ने, यहाँ पर मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री, इन्होंने कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करी है, ठीक है। अगला प्रश्न, अजमल सुल्तानपुरी जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? तो अजमल सुल्तानपुरी जिनका हाल फिलहाल में निधन हो गया है, किस भाषा के कवि हैं ये मुझे बताएंगे, कन्नड़ के हैं, उर्दू के हैं, मलयालम के हैं, सिंधवी के हैं या पंजाबी के? तो ये उर्दू के कवि हैं। क्या नाम है? अजमल सुल्तानी, ठीक है, उर्दू के। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान देंगे, देखिए इधर, किस राज्य ने एक ऐप के माध्यम से गंगा सागर का पवित्र जल प्रदान किया है? किस राज्य सरकार ने एक ऐप के माध्यम से गंगा सागर का पवित्र जल प्रदान किया है? पश्चिम बंगाल, क्या सही आंसर होगा? पश्चिम बंगाल होगा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या फिर मैं बात करूं हिमाचल प्रदेश? सही आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न, शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी, खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? कतर का, UAE का, सऊदी अरब का, ईरान का या फिर इराक का? सही आंसर होगा कतर का। कतर के जो प्रधानमंत्री अपॉइंट किए गए हैं शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज, इतना बड़ा नाम है, अल थानी भी है साथ में, इतना बड़ा नाम है, आपके पूरे परिवार का नाम आ सकता है इसमें, इनको कतर का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, किस शहर में भारतीय रेलवे ने देश के पहले सरकारी कचरा से ऊर्जा प्लांट कमीशन जो है यहां पर शुरू किया है? तो आप मुझे बताएंगे कमीशन क्या है, क्या है, देखिए, किस शहर में भारतीय रेलवे ने देश के पहले सरकारी कचरा से ऊर्जा प्लांट को कमीशन किया है? महाराजगंज में, लोथल में, भुवनेश्वर में, गोरखपुर या फिर कानपुर? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा, मैं बात करूं भुवनेश्वर। भुवनेश्वर शहर में भारतीय रेलवे के द्वारा पहला सरकारी कचरा से ऊर्जा प्लांट शुरू किया गया है, इसको कमीशन किया गया है। अगला प्रश्न क्या है, जमीला मलिक का हाल ही में निधन हो गया है, वह क्या थी? तो जमीला मलिक का हाल फिलहाल में निधन हुआ है, जमीला मलिक क्या थी? ये वैज्ञानिक थी, अभिनेत्री थी, डॉक्टर थी, एथलीट थी या फिर भारोत्तोलक थी? बात हो रही है जमीला मलिक की, जमीला मलिक थी एक अभिनेत्री थी जिनका हाल फिलहाल में निधन हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न, कौन सा दिन प्रलय पीड़ितों के स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो प्रलय से पीड़ित स्मृति के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, 24 जनवरी, 25 जनवरी, 27 जनवरी, 18 जनवरी या फिर 15 जनवरी? सही आंसर होगा पीड़ितों के स्मृति में, प्रलय पीड़ितों की स्मृति में जो दिन मनाया जाता है तो वो मनाया जाता है 27 जनवरी को, हम इनकी स्मृति दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न क्या है, किस राज्य की झांकी ने 71वें गणतंत्र दिवस परेड में प्रथम पुरस्कार जीता? देखिए, आपकी बार 72वां गणतंत्र दिवस था, इस बार किसने जीता मुझे बता देंगे, और 71वीं गणतंत्र दिवस की परेड झांकी में जो प्रथम पुरस्कार जीता था ये किसने जीता था? असम ने जीता है। और आप मुझे बता देंगे अभी 26 जनवरी को किस झांकी को गणतंत्र दिवस, बिल्कुल 72वें गणतंत्र दिवस पर किसको, हाँ, किसको पुरस्कार मिला है? अगला प्रश्न, किसने बेंगलुरु में भुवन पंचायत यानी कि V3.0 वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो V3.0 वेब पोर्टल लॉन्च किया है नरेंद्र सिंह तोमर, जितेंद्र सिंह ने, हरसिमरत कौर बादल ने, थावर चंद्र गहलोत ने या सुब्रमण्यम जयशंकर ने? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह को जो है, जितेंद्र सिंह बेंगलुरु भुवन
भवन में बात करूँ, भुवन पंचायत विद 3.0 वेब पोर्टल लॉन्च किया है, ये जितेंद्र सिंह ने करा है, ठीक है, बेंगलुरु से। अगला प्रश्न क्या है, किस आईआईएम को द फाइनेंशियल टाइम्स यानी कि एमफिटी ग्लोबल एमबीए रैंकिंग 2020 में विश्व स्तर पर 42वां स्थान रखा है। आप बताएंगे आईआईएम बेंगलोर या आईआईएम अहमदाबाद या आईआईएम कलकत्ता, आईआईएम लखनऊ, आईआईएम इंदौर। सही आंसर होगा आईआईएम कलकत्ता। ये कलकत्ता को यहाँ पर द फाइनेंशियल टाइम्स यानी कि एफटी ग्लोबल एमपीएम रैंकिंग 2020 में वैश्विक स्तर पर 42वां स्थान मिला था। अगला प्रश्न, मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी कि मैं बात करूँ MIFF 2020, ठीक है, यानी कि मैं बात करूँ मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की बात करें, इसका संस्करण का उद्घाटन किया जाएगा 11वां, कौन सा एडिशन होगा 16वां, 35वां, 36वां, 19वां। तो सही आंसर होगा इसका जो एडिशन होगा 16वां एडिशन होगा, 2020 में 16वां हुआ है, इस बार 17वां होगा 2021 में। अगला, किस मंत्रालय ने न्यू एंड इमर्जिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी जिसका नाम है NEST, तो NEST पर एक नया डिवीजन स्थापित करने की घोषणा की है, आप मुझे बताएंगे। वित्त मंत्रालय ने, विदेश मंत्रालय ने, वाणिज्य मंत्रालय ने, कोयला मंत्रालय ने, इस्पात मंत्रालय ने। सही आंसर होगा विदेश मंत्रालय ने, यहाँ पर क्या है इसमें, विदेश मंत्रालय ने एक नया डिवीजन स्थापित करने की घोषणा की है, ठीक है, बिल्कुल। अगला प्रश्न, यस, किस राज्य में खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी कि KVIC ने पहले रेशम प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन किया है, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में। सही आंसर क्या होगा, देखिए ऑप्शन ए गुजरात में इसका संस्करण किया है ग्रामोद्योग आयोग का, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, किस राज्य सरकार ने ई गैजेट पोर्टल लॉन्च किया है, ई गैजेट पोर्टल इंपोर्टेंट है, किस राज्य सरकार ने किया है आप लोग बताएंगे, बिल्कुल। चलिए तो यहाँ पर सिक्किम ने किया है, ओडिशा ने किया है, मिजोरम ने किया है, मेघालय ने किया है, अरुणाचल प्रदेश ने। सही आंसर होगा यहाँ पर ओडिशा ने ई गैजेट पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है। क्या बात है, आप लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया आज, क्या बात, साथ कैसे छोड़ दिया आपने। हाँ भाई बहादुर जी आंसर दीजिए, शशिकांत कुमार जी, बहादुर जी, ओके, अल्लाह का बंदा, क्या बात, साथ छोड़ के चले गए आप लोग, तो मुझे छोड़ के चले गए, दुख हुआ मुझे बड़ा। चलिए जल्दी से आंसर देंगे, सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन बी ओडिशा ने शुरू करा है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न क्या है, देखिए किसने इंडियन बैंक एसोसिएशन, ठीक है, आईबीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला है, तो वे किसने संभाला है, सुनील मेहता ने, सुमन बिल्ला ने, अंशुला कांत ने, या फिर सुरजीत भल्ला ने, गीता गोपीनाथन ने। अब आप मुझे बताएंगे सही आंसर क्या होगा, चलिए आंसर बताइए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ शशिकांत, आंसर देंगे शशिकांत जी, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल शशिकांत जी, आकाश जी, अमित, आकाश यादव बड़े लेट आ रहे हो, तोबा आकाश यादव, आपने तो हद मचा दिया आज, बिल्कुल। अमित, रहमान वापस आ गए, घूमे आए घर। बहादुर, चलिए सही आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सुनील मेहता। सुनील मेहता को उनके कार्यकारी मुख्य अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला है इंडियन बैंक एसोसिएशन, ठीक है, तो इंडियन बैंक एसोसिएशन के जो कार्यकारी अधिकारी बने हैं ये सुनील मेहता बने हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य में फ्लॉमिंग महोत्सव आयोजित किया गया है, किस राज्य में फ्लॉमिंग महोत्सव आयोजित किया गया है, आप लोग मुझे बता देंगे किस राज्य में किया गया है, करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर बताएंगे, पंजाब में,
गुजरात में, उत्तराखंड में, आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चा पार्टी? ओके बहुत बढ़िया, चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अमित, रहमान, बहादुर, बहुत बढ़िया। शशिकांत, चलिए सही आंसर होगा यहाँ पर आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में फ्लॉमिंग महोत्सव जो शुरू किया गया है, फ्लॉमिंग महोत्सव आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए इंद्रजीत, क्या बात, घूम घाम के आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है, किस राज्य सरकार ने ई सर्टिफिकेट परियोजना शुरू की है? तो ई सर्टिफिकेट परियोजना मेघालय ने शुरू की है, ओडिशा ने शुरू की है, केरल ने शुरू की है, त्रिपुरा ने या मिजोरम ने? तो ई सर्टिफिकेट परियोजना जो शुरू की है, ये शुरू की है मेरे बच्चा किसने? ओडिशा ने ई सर्टिफिकेट परियोजना शुरू करी है, ठीक है। अगला प्रश्न, किस राज्य ने अपनी पहली अटल किसान मंजूरी कैंटीन शुरू की है? तो अटल किसान मंजूरी कैंटीन, मजदूर कैंटीन, सॉरी, अटल किसान मजदूर कैंटीन शुरू की है किस राज्य ने? पुदुचेरी ने, राजस्थान ने, जम्मू कश्मीर ने, लद्दाख ने, हरियाणा ने? सही आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया अमित, इंद्रजीत, रहमान, बहादुर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 5 इज द करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा, हरियाणा। हरियाणा सरकार ने अटल किसान मंजूरी मजदूर कैंटीन शुरू की है। अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना ने किस देश में मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रदान करने के लिए ऑपरेशन वैनिला शुरू कराया? ऑपरेशन वैनिला आप लोगों को पता होगा किसने शुरू करा था? मेडागास्कर ने शुरू करा था, बेनिन ने शुरू करा था, बुर्किना फासो ने, गिनी बिसाओ ने, या फिर यहाँ पर आइवरी कोस्ट? तो आप लोग मुझे बताएंगे भारतीय नौसेना ने किस देश में मानवीय सहायता देने के लिए, कहाँ पर, किस देश में हेल्प करी थी? मेडागास्कर, कहाँ पर? सही आंसर होगा मेडागास्कर। मेडागास्कर में भारत ने जो हेल्प दी थी, ठीक है, और ये आपदा राहत प्रदान करने के लिए ऑपरेशन वैनिला शुरू करा था। अगला प्रश्न, किस देश ने पृथ्वी पर सबसे अधिक ऊंचाई पर फैशन शो के आयोजन के लिए चलिए मैं भी सब कुछ सही है अब ओके चलिए सही है तो बहुत अच्छा, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट उसने पूछा था, अगला प्रश्न क्या था, देखिए देख लेते हैं यहाँ पर, कि किसके साथ भारत ने सूचना और प्रसारण के क्षेत्र में आयामों पर आपसी सहयोग के साथ जो है काम करने पर सहमत हुए हैं? सही आंसर होगा, देखिए किसके साथ हुए? फ्रांस, ठीक है, फ्रांस इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, ठीक है, चलिए थैंक यू सर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट, किस देश की नेवी यानी कि सिप HAMS यानी कि ट्रुम्बा में मुंबई की यात्रा पर, तो आप मुझे बताएंगे जापान की या फिर ऑस्ट्रेलिया की, ओमान की, UAE की या फिर उज्बेकिस्तान की? करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, जल्दी से मुझे बता देंगे सही आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर, सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया की नेवी शिप जो है, ठीक है, HMAS, ठीक है, ये जो है ट्रुम्बा में मुंबई की यात्रा पर है। अगला प्रश्न, भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक के लिए यहाँ पर क्वालिफाई कर लिया है, और ये किस राज्य से है नीरज चोपड़ा? झारखंड से है, महाराष्ट्र से है, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा या फिर मध्य प्रदेश? तो नीरज चोपड़ा कहाँ से हैं आप लोग मुझे बता देंगे, कहाँ से हैं नीरज चोपड़ा? सही आंसर होगा कि नीरज चोपड़ा हैं हरियाणा से, ठीक है, जिन्होंने क्या करा है यानी कि टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई किया है, किसमें? टोक्यो ओलंपिक में, भाला फेंक में, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, किसने गुजरात के केवड़िया में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के पास सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, सेंटर फॉर एम्पायरमेंट एंड लाइफ लिहुड्स की आधारशिला रखी है? तो डीवी सदानंद गौड़ा ने, एस जयशंकर प्रसाद ने, एस जयशंकर ने, निर्मला सीतारमण, नरेंद्र सिंह तोमर या फिर रविशंकर प्रसाद ने? तो सही आंसर क्या होगा? आकाश यादव,
ओके, बाकी सभी फ्रेंड जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं सभी लोग आंसर देते रहेंगे। हाँ रहमान जी आंसर देते रहो, बिल्कुल यस। हाँ नेटवर्क इशू हो गया था बीच में, चलिए मुझे बताते रहेंगे सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल सही होगा, एस जयशंकर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है यहां पर, देखिए बिल्कुल यहां पर बात करें तरनजीत सिंह संधू की बात करें तो तरनजीत सिंह संधू ने किस देश में भारतीय राजदूत के रूप में कार्यभार संभाला है। तो भारतीय राजदूत के रूप में जो कार्यभार संभाला है चलिए आप लोग आंसर बताएंगे। चलिए किस देश ने एक वर्चुअल पुलिस स्टेशन शुरू किया है, तो किसने किया, लद्दाख ने, तमिलनाडु ने, उड़ीसा, केरल या फिर कर्नाटक, तो किसने किया है। पहले पिछले प्रश्न को पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा नहीं पढ़ा था, पिछले प्रश्न का सही आंसर होगा देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यहाँ पर जो मैं बात कर रही थी तरनजीत सिंह संधू ने किस देश में भारतीय राजदूत के रूप में कार्यभार संभाला है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के राजदूत, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ओडिशा। ओडिशा में जो वर्चुअल पुलिस स्टेशन शुरू किया गया है ओडिशा में। अगला प्रश्न, पूर्व भारतीय महिला डैश डैश टीम की कप्तान सुनीता चंद्रा का हाल ही में निधन हो गया है, ठीक है ध्यान में रखेंगे, ये रग्बी की या हॉकी या फिर क्रिकेट या फुटबॉल या कबड्डी, किस खेल से संबंध रखती हैं, तो ये हॉकी से संबंध रखती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने किसकी आत्मकथा क्या है रिलेशंस इनका विमोचन किया है, यशवंत सिन्हा या विश्वनाथ आनंद, रामदेव, युवराज सिंह, अनुपम खेर, सही आंसर होगा ऑप्शन ए यशवंत सिंह, ठीक है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की उनकी डैश डैश पुण्य तिथि 30 जनवरी को श्रद्धांजलि दी जाती है, कौन सी नंबर की होगी, 72 भी होगी, 71 भी, 73 भी, 70 या फिर 75 भी, इनकी जो महात्मा गांधी की जो पुण्य तिथि 30 जनवरी को जो मनाई गई 2020 में, सॉरी तो ये कब मनाई गई, 72 भी। अब मैं बात करूँ देखिए यहाँ पर अब की बार जो मैं बात करूँ 30 जनवरी यानी कि जो कल मनाई गई है, ये जो मनाई गई है कितने 72 भी नहीं 73 भी मनाई गई है, ठीक है यस। अगला प्रश्न, किस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, शहीद दिवस 10 जनवरी को, 18 जनवरी को, 30 जनवरी को, 25 जनवरी को या 24 जनवरी को, कब शहीद दिवस मनाया जाता है आप लोग मुझे बता देंगे, शहीद दिवस किस दिन के रूप में मनाया जाता है, चलिए आंसर बताएंगे। सही आंसर होगा ऑप्शन सी यहां पर 30 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है चलिए बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न क्या है, किस शहर में 65 राष्ट्रीय स्कूल खेल अंडर 17 वजह का उद्घाटन किया गया, ठीक है चलिए मुझे बताएंगे, बहुत बढ़िया हाँ बिल्कुल। अगला इसका सही आंसर क्या होगा, अहमदाबाद में, भुवनेश्वर में, गुवाहाटी में, अगरतला में, कानपुर में, सही आंसर होगा अगरतला इज द करेक्ट आंसर, ठीक है नेक्स्ट आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। अगला प्रश्न, एसओ एल्वेस किस खेल से संबंधित है, रोइंग से, साइकिलिंग से, वुशु से, भारत उत्तोलन से, बैडमिंटन से, तो एसओ एल्वेस जो है किस खेल से संबंध रखता है, तो मैं बात करूंगी यहां पर साइकिलिंग से संबंध रखता है, ठीक है यस। नेक्स्ट आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए आरबीआई ने मौद्रिक नीति या मैं बात करूं समिति एमपीसी के सदस्य के रूप में किसको नियुक्त किया है, तो किसको नियुक्त किया है यहाँ पर आप बता देंगे, जनक राज को या फिर मौपी दुआ को, चेतन घाटे को या फिर मैं बात करूं रविंद्र एच ढोलकिया को या सुमन बिल्ला को, तो सही आंसर क्या होगा देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन ए जनक राज इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन क्या है, किस शहर में बीटिंग द स्ट्रीट समारोह आयोजित किया गया था, किस शहर में बीटिंग द स्ट्रीट समारोह आयोजित किया गया, मुंबई में, नई दिल्ली में, लखनऊ में या वाराणसी में या फिर जयपुर में,
तो वेटिंग द यहाँ पर रिट्रीट समारोह जो आयोजित किया गया ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न 63, किसने 2020 ट्रॉयलर पुरस्कार जीता, तो किसने 2020 ट्रॉयलर पुरस्कार जीता है, पवन सुखदेव ने, जॉर्ज फर्नांडिस ने, अरुण जेटली ने, या अनिरुद्ध जगन्नाथ, या एमसी मैरी कॉम ने। तो 2020 का जो ट्रॉयलर पुरस्कार जीता था वो पवन सुखदेव ने जीता था। ठीक है, ओके वेलकम, जो बच्चे नए जुड़ चुके हैं सभी लोगों का वेलकम, बहुत बढ़िया। हाँ अमित जी, आकाश, बहुत बढ़िया, शशिकांत, चलिए वेरी गुड। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा पवन सुखदेव। अगला प्रश्न क्या है, देखिए इंडियन कोस्ट गार्ड यानी कि ICG इन्होंने न्यू मंगलोर पोर्ट पर अपनी इंटरसेप्टर नाव जिसका नाम क्या C-448 इसका परिचालन किया। भारतीय तटरक्षक बल, ठीक है, ICG इसके महानिदेशक कौन है, आप मुझे बता देंगे ICG के जो महानिदेशक हैं कौन हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक की बात करिए, कौन है इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल कौन है, बिल्कुल ओके सही आंसर होगा, देखिए आप मुझे बता देंगे एपी माहेश्वरी, कृष्णा स्वामी नटराजन, या वीके जौहरी, या SS देशवाल, राजेश रंजन, करेक्ट आंसर होगा स्वामी नटराजन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यस, अगला प्रश्न क्या है, देखिए किसने पोर्ट ब्लेयर में विकलांग व्यक्तियों के लिए कौशल विकास पुनर्वास सशक्तिकरण के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र, ठीक है, जिसको कहते हैं हम क्या मैम CRC का उद्घाटन क्या है, यानी कि मैं बात करूं कंपोस्ट रीजनल सेंटर का उद्घाटन किया है, रमेश पोखरियाल निशंक ने, या फिर थावर चंद्र गहलोत, स्मृति यहाँ पर जुबिन ईरानी, अर्जुन मुंडा, या फिर हर्षवर्धन के द्वारा। चलिए आंसर देंगे आकाश, अमित, जो फ्रेंड्स जितने लोग लाइव है मेरे साथ सभी के सभी आंसर देंगे जल्दी। ओके सही आंसर होगा ऑप्शन बी, थावर चंद्र गहलोत ने इसका उद्घाटन किया है, किसका CRC का, यानी कि जो हमारे पास में क्या था मैम कंपोस्ट रीजनल सेंटर का। ठीक है, अगला, किस राज्य की विधानसभा ई विधान परियोजना के कार्यान्वयन से कागज रहित है, ये प्रश्न इंपोर्टेंट है, UPPCS में पूछा गया था और कई सारे एग्जामों में इसके पूछे जाने के चांसेस हैं। यस भाई, तो किस ई विधान परियोजना के कारण वैसे कागज रहित होगी, कौन सी, किसने ये इसको विधानसभा को यहाँ किस कहाँ की विधानसभा है, अरुणाचल प्रदेश की होगी, आंध्र प्रदेश की होगी, तेलंगाना की, केरल की, या असम की, सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स जल्दी से मुझे बता देंगे। ओके 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 चलिए करेक्ट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का, ओके चलिए आकाश आंसर दे रहे हैं, अमित आंसर दीजिए, जो भी लोग लाइव हैं देखिए सारे के सारे फ्रेंड्स मुझे जल्दी से आंसर देते रहेंगे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर क्या होगा ये आपको प्रश्न मैं इसलिए पूछ रही हूँ बिकॉज ये प्रश्न कई बार आया हुआ है बच्चा पार्टी, सही आंसर क्या होगा, वेरी गुड मैम, करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। आप लोगों को पता होगा अरुणाचल प्रदेश की जो विधानसभा है वो ई विधान परियोजना के तहत आ गई है, इसमें कागज रहित हो गए, सारा काम इलेक्ट्रिक हो गया है। ठीक है, यस, नेक्स्ट अगला प्रश्न, लघु वित्त आहुति अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव राइट यहां पर क्या है, राइट रेडेन, जिसको क्या कहते हैं IFFR, क्या बोलते हैं IFFR की बात करें। ठीक है, नीदरलैंड में प्रदर्शित यहाँ पर प्रदर्शित होते के लिए चुना गया है, फिल्म निर्माता कौन है मुझे बता देंगे, निर्मल चंद्र यहाँ पर डंडरियाल हैं, या लुबंदक चटर्जी हैं, N चंद्रशेखरन हैं, या रूपा पुरुषोत्तम हैं, या काशीनाथ पंडित हैं, सही आंसर क्या होगा। ओके ओके भाई लाइक भी करते रहेंगे फ्रेंड्स सभी लोग, बिल्कुल हाँ जी, चलिए सही आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा देखिए यहाँ पर लुबंद चटर्जी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, किस राज्य में नोवेल कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया, किस राज्य में नोवेल कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया था, नोवेल कोरोना वायरस का, अब मुझे बताएंगे छत्तीसगढ़ में सामने आया, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, या फिर केरल में, किस राज्य में पहला नोवेल कोरोना वायरस का मामला सामने आया, सही आंसर क्या होगा बच्चा पार्टी,
करेक्ट आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन फाइव। केरल में सबसे पहले कोरोना वायरस का, नोवेल कोरोना वायरस का मामला सामने आया और सबसे पहले दिल्ली के बाद में जो बंद करा गया था मुंबई, और मुंबई के बाद में जो बंद कराया गया था केरल के, सॉरी कोलकाता, और कोलकाता के बाद में जो बंद करा गया था। अगर मैं बात करूँ तटीय क्षेत्र की, तो सबसे पहले तटीय क्षेत्र अगर आता है तो सबसे पहले तटीय क्षेत्र केरल बंद करा गया था। ठीक है, यस मैम। इंद्रजीत बहुत बढ़िया, बहादुर जी या क्या बात है। अगला प्रश्न चलिए नेक्स्ट। किस शब्द को 2019 में ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द ना मिला? तो ऑक्सफोर्ड एक डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, देखिए मैं बात करूँ ऑक्सफोर्ड क्या करती है कि डिक्शनरी में कौन सा वर्ड सबसे ज़्यादा खोजा गया और सबसे ज़्यादा विचार उस पर किए गए। तो 2019 में कौन सा ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द का इस्तेमाल किया गया था? तो आप मुझे बताएंगे ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द का नाम दिया गया था। तो भाई आप मुझे बताएंगे किस शब्द को, संविधान को, या पर चमचा को, कीमा को, या जुगाड़ को, या फिर जामुन को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने देखा होगा ऑक्सफोर्ड हमारे पास में डिक्शनरी होती है, वो बताती है कि मतलब किस में सबसे ज्यादा आपको जो है देखा गया, सर्च किया गया है। यस बिल्कुल आंसर बता देंगे फ्रेंड्स सभी लोग। बहुत बढ़िया बहादुर इंद्रजीत। चलिए करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन है संविधान को। किसको? संविधान को। अगला प्रश्न, गूगल ने भारतीयों में समाचार साक्षरता बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, कितने $ का अनुमान की घोषणा करी है? तो कितने डॉलर, यानी कि कितने $ के अनुमान की घोषणा करी है गूगल ने भारतीयों के समाचार साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए? 1 मिलियन, 5 मिलियन, 4 मिलियन, 3 मिलियन या 2 मिलियन। सही आंसर क्या होगा? 1 मिलियन होगा। करेक्ट आंसर 1 मिलियन होगा। ठीक है बिल्कुल, चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखिए, किस राज्य ने देश की पहली फल ट्रेन को रवाना किया? अब देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से राज्य ने पहली फल ट्रेन रवाना करी, किसने करी पहली फल ट्रेन? आंध्र प्रदेश ने, तेलंगाना ने, पश्चिम बंगाल ने, तमिलनाडु ने, या फिर कर्नाटक ने? तो किसने पहली फल ट्रेन को रवाना किया, आप मुझे जल्दी से आंसर बता देंगे। बहुत बढ़िया, आज आपके सारे सेशन सुबह जो आज शाम वाले हैं, ठीक है, सारे के सारे सेशन आज आपके ऑफ रहेंगे। ठीक है, हाँ सही आंसर होगा, हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने पहली फल ट्रेन रवाना करी। ठीक है बिल्कुल। अगला प्रश्न, विधावाल का हाल ही में निधन हो गया है, अब विधावाल थे कौन, आप मुझे बता देंगे विधावाल? ये भारत उत्तोलक थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, राजनेता थे, एथलीट थे, या फिर ये क्रिकेटर थे? तो विधावाल कौन थे मुझे बता देंगे मैम? ये जो विधावाल थे ये सामाजिक कार्यकर्ता थे। कौन थे? सामाजिक कार्यकर्ता थे विधावाल। ठीक है नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, किसे यहाँ पर IBM के नए CEO के रूप में चुना गया? तो किसे IBM के नए CEO के रूप में चुना है? डॉक्टर हर्ष यहाँ पर हर्षवर्धन श्रृंगला को, अरविंद कृष्णा, तरनजीत सिंधु को, या AP माहेश्वरी, मनोज मुकुंद नरवराम को? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत इंद्रजीत, आकाश, बहादुर, फैरिको। सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, जल्दी से मुझे आंसर बता देंगे? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर के बारे में मैंने पूछा है। देखिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी अरविंद कृष्ण। ठीक है, क्या आंसर होगा? अरविंद कृष्ण को। अगला प्रश्न क्या है, देखिए, किसको नेपाल में भारत के अगले दूत के रूप में अपॉइंट किया गया? तो नेपाल में भारत के अगले दूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सुनील अरोड़ा को, या फिर यहाँ पर विनय मोहन पात्रा को, कृष्ण मंत्री सुब्रमण्यम को, संगीता रेड्डी, या केशव आर मुरुगेश को? किसको किया गया है? सही आंसर क्या होगा यहाँ पर? विनय मोहन पात्रा। ठीक है अगला प्रश्न, भारत और बांग्लादेश के बीच एक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास, यानी कि मैं बात करूँ उमरोई, ठीक है, तो उमरोई मेघालय में आयोजित किया जाएगा, इस अभ्यास का नाम क्या होगा बताएंगे मुझे? संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास उमरोई मेघालय में आयोजित किया जाएगा, इस अभ्यास का नाम क्या होगा, एक्सरसाइज का नाम क्या होगा इस एक्सरसाइज का, आप मुझे बता देंगे? नसीम अल वात्र होगा, संप्रीति होगा, या सहयोग काइजिन होगा, या डस्फ्लिक होगा, सूर्य किरण होगा, इस एक्सरसाइज का नाम क्या होगा, आंसर बताएंगे बच्चा पार्टी?
बहुत बढ़िया। ऑप्शन बी संप्रीति इसका नाम होगा, संप्रीति जो मेघालय में आयोजित किया जाएगी एक्सरसाइज, ठीक है, बांग्लादेश के बीच और हमारे भारत के बीच, ठीक है, मेघालय में आयोजित की जाएगी, संप्रीति होगी, ठीक है ये एक्सरसाइज। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए भारतीय महिला टीम की कप्तान रानी रामपाल प्रतिष्ठित वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाली पहली हॉकी खिलाड़ी बनी, वह किस राज्य से हैं? तो अब मुझे आप बता देंगे रानी रामपाल किस राज्य से हैं, राजस्थान से हैं, महाराष्ट्र से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, हरियाणा से हैं या उत्तराखंड से हैं, कहाँ से हैं मुझे बता देंगे? ओके करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फोर हरियाणा। कहाँ से हैं मैम? ये हैं हरियाणा से, ठीक है। रानी रामपाल आप नहीं जानते? भारत उत्तोलक में, यस मैम, एथलीट। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, किसने महात्मा गांधी हत्याकांड पर एक विशेष प्रकाशन जिसका शीर्षक क्या है, महात्मा गांधी की हत्या, ठीक है, इस परीक्षण और निर्णय में 1948-49 जारी किया है, तो अब मुझे बता देंगे किसने किया है, कौन व्यक्ति है, क्या नाम है भाई यहाँ पर, काशीनाथ पंडित या जे हीरानंदी, जो हीरानंदानी, सत्यार्थ नायक, वेंकैया नायडू या एम एस स्वामीनाथन, करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ओके चलिए सही आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फाइव इज द करेक्ट आंसर, एम स्वामीनाथन, एम स्वामीनाथन इज द करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, किसको रंगमंच के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित फ्रांसीसी सम्मान नाइट ऑफ द अवार्ड ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स मिलेगा, किसको मिलेगा, संजना कपूर को, अरुणा जुगनाथ को, एम सी मैरी कॉम या फिर छन्नू लाल मिश्रा या विश्वेश, यहाँ पर विश्वेश तीर्थ को, किसको मिलेगा? यस फ्रेंड्स आंसर देंगे सभी स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया, आकाश, इंद्रजीत, चलिए एक बार एक काम करो सभी फ्रेंड को फिर से शेयर कर दो, चलिए सही आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए सही आंसर होगा ऑप्शन ए, क्या होगा, रंजना कपूर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है यस। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला प्रश्न क्या है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड क्रिकेट इन इंडिया, तो इसके क्रिकेट सलाहकार समिति का गठन किया गया और इस समिति के जो समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल है, समिति में कौन व्यक्ति शामिल है मुझे बताएंगे, मदन लाल है, रुद्र प्रताप सिंह या सुलक्षणा नाइक, यहाँ पर पहला और दूसरा या पहला दूसरा तीसरा तीनों शामिल हैं, आंसर क्या होगा, आकाश जी, इंद्रजीत, कोई बात नहीं, पता नहीं तो कोई बात नहीं है, बिल्कुल भी बिल्कुल पता करने के लिए तो बैठे हैं यहाँ पर, ओके करेक्ट आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन फाइव, यहाँ पर मदन लाल, रुद्र प्रताप सिंह और सुलक्षणा नाइक, ये तीनों व्यक्ति जो हमारे पास भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, ठीक है, उसके सलाहकार समिति में इन तीनों व्यक्तियों को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, किस संगठन ने चीन के नोवेल कोरोना वायरस एक अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है, WTO, आसियान या SCO या फिर UNO या WHO, तो अब मुझे बताएंगे किस संगठन ने चीन के नोवेल कोरोना वायरस पर एक अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया था, कि भैया अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल का मतलब क्या होता है, कि भाई आपको जो है अन्य जहां पर ये कोविड देखने को मिला उन सभी देशों में क्या है आपातकाल, मतलब क्या है, हाँ बिल्कुल इमरजेंसी, इंटरनेशनल इमरजेंसी की बात हुई है, कौन करेगा, पहली बात स्वास्थ्य से संबंधित चीजें, स्वास्थ्य, ठीक है, स्वास्थ्य से संबंधित संस्था कौन सी आती है मैम, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो कौन करेगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने करा था, ठीक है। अगला प्रश्न, आर्थिक सर्वेक्षण 2019 के लिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार 2019-20 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर -- में दर्ज की जाएगी, कितनी दर्ज की जाएगी, 5.0%, 5.7%, 4.8%, 5.1% या 4.5%, कितनी दर्ज की जाएगी, बिल्कुल आकाश, इंद्रजीत, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया,
बिल्कुल सही आंसर होगा, कितनी दर्ज करेंगे मैम? हम इसकी जीडीपी जो दर्ज करेंगे 5.0% दर्ज करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 किसने प्रस्तुत किया? आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 किसने प्रस्तुत किया? निर्मला सीतारमण ने, राजीव कुमार ने, या कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने, अजय भूषण पांडे, या फिर अतनु चक्रवर्ती ने? किसने किया आप लोग मुझे बता देंगे। सही आंसर होगा निर्मला सीतारमण ने। आर्थिक सर्वेक्षण 2019 बजट किसने प्रस्तुत किया? निर्मला सीतारमण करेंगे। किसमें? संसद में प्रस्तुत किया। कब? संसद में। ठीक है, चलिए अब आपको पता होगा, अब आपको पता होगा 4 फरवरी को करेगी पेश। ठीक है, यस, परसों कर लेते। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण कौन तैयार करता है? जो आर्थिक सर्वेक्षण है, मैं बात करूँ हमारा, ठीक है, तो इसको कह रहा है कि जो इकोनॉमिक्स सर्वेस को प्रिपेयर कौन करता है? जो व्यय विभाग होता है या राजस्व विभाग होता है, वो आर्थिक मामलों का जो विभाग होता है वो इसको तैयार करेगा, या वित्तीय सेवा विभाग तैयार करता है, या निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग इसको तैयार करता है। तो देखिए, हमारे पास में जो वित्तीय सेवा विभाग नहीं, जो आर्थिक मामलों का विभाग होता है, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, इसको प्रिपेयर करता है। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में आर्थिक सर्वेक्षण तैयार किया जाता है। अब भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं कौन? मुख्य आर्थिक सलाहकार, आपको पता होगा अगर मैं बात करूं, जो हमारा लेखा जोखा होता है उसको जो देता है, यानी कि जो मैं बात करूं हमारा जो वित्तीय विधेयक होता है, सॉरी, जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है, आर्थिक सर्वेक्षण को पेश कौन करेगा? मैम हमारा जो वित्त मंत्री होगा वो पेश करता है, लेकिन तैयार तो उसके किसी और व्यक्ति के सामने किया जाता है जो होता है आर्थिक सलाहकार। अब कौन है? कृष्णामूर्ति सुब्रमण्यम है, जनक राज है, माइकल डिवात्रा है, स्वस्तिक यहाँ पर शक्तिकांत दास हैं, या डॉक्टर हर्षवर्धन श्रृंगला हैं? सही आंसर होगा कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, ये आर्थिक सलाहकार हैं वर्तमान में। ठीक है, यस मैम। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार 2020-21 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर अनुमानित कितनी रखी गई है? आप मुझे बताएंगे कितनी रखी गई है? जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है उसने 2019-20 को देख करके 20-21 की जो जीडीपी वृद्धि दर रखी है, ग्रोथ रेट कितनी रखी है, उसने 6.1%, 6.5%, 6.4% या 6.3%, 6.2%? सही आंसर होगा 6.5% रखी है इसने। कैलकुलेट कौन करके रखता है एग्जैक्ट कैलकुलेट? मैम NSO करता है। ठीक है, नेशनल स्टैटिक ऑफिस जो होता है, तो नेशनल स्टैटिक ऑफिस हमें बिल्कुल जीडीपी जो ग्रोथ रेट होती है हमारी, ठीक है, तो ग्रोथ रेट जो होती है उसको बिल्कुल जो एग्जैक्ट रखता है NSO कैलकुलेट करके रखता है, बाकी सब अनुमानित रखते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार भारत 2025 तक अपने निर्यात बाजार हिस्सेदारी को लगभग -- और यहाँ पर 2030 तक -- तक बढ़ा सकता है। मतलब कहाँ से कहाँ तक बढ़ा सकता है, कितने से कितने तक बढ़ा सकता है? अब बताएंगे 3.5 से लेकर के 6% तक, या 3.4 से या 6% तक, 3.3 से 6% तक, 3.6 से 6%, 3.7 से 6%? तो यहाँ पर 2019-20 से लेकर के 2025, देखिए उसने कहा 19-20 के अनुसार 2025 से अपने निर्यात बाजार की हिस्सेदारी 2030 तक 5 सालों में लगभग जो बढ़ा सकता है, तो ये अनुमान आर्थिक सर्वेक्षण ने दिया है हमें। ठीक है, तो इसने क्या बोला, इकोनॉमिक सर्वे ने क्या बोला है कि 3.5 से लेकर के ये परसेंट से 6% तक जो इसको बढ़ा सकता है। ठीक है, यस, अगला प्रश्न, आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार भारत 2025 तक -- अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी को यहाँ पर 2030 तक 8 करोड़ पैदा कर सकता है, क्या यहाँ पर मुझे बताएं लगभग कितने तक की? 4 करोड़ तक की, 5 करोड़ तक की, 2 करोड़, 1 करोड़ या 6 करोड़ तक की? आंसर सही क्या होगा? ओके, चलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा मैम यहाँ पर 4 करोड़ तक की अच्छी तनख्वाह वाली नौकरियों को 2030 तक 8 करोड़ पैदा कर सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट, अगला प्रश्न क्या होगा, वरिष्ठ पत्रकार, ठीक है, यूसुफ जलीम को 2019-20 में पैन गोरी लंकेश पुरस्कार के लिए लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए चुना गया, वह किस राज्य के शासित प्रदेश से हैं? मुझे बता देंगे, लद्दाख से हैं, जम्मू कश्मीर से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, या फिर झारखंड से हैं? कहाँ से हैं? सही आंसर होगा मैम ये जम्मू कश्मीर से हैं, वरिष्ठ पत्रकार यूसुफ जमील। अगला प्रश्न,
फिक्की के आर्थिक आउटलुक सर्वेक्षण के अनुसार भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी की वृद्धि दर जो रही है, वृद्धि दर वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए डैश डैश यानी कि कितने परसेंट, और 2020-21 के लिए ये 5.5% होने का अनुमान लगाए। तो 2021 का जो उसने बताया है फिक्की ने कि 2021 में जो रहेगा 2021 में ये रहेगा, लेकिन 2019-20 में कितना रहेगा ये मुझे बता देंगे आप। 4.5%, 5.0%, 5.1%, 5.7%, 4.8% कितनी रहेगी, आंसर देते रहेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर क्या होगा, सही आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा मैम यहां पर आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 5.0% रहेगी 2019-20, और 2020-21 में 5.5% थी यानी कि 5% की ग्रोथ हुई है। ठीक है, नेक्स्ट 0.5% सॉरी। अगला, किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, ठीक है यानी कि मैं बात करूं सीबीआईसी की बात करें, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडियन टैक्स एंड जो कस्टमर्स है, इसके अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, सीबीआईसी के हेड कौन है, अध्यक्ष अजय कुमार है, अजय भल्ला, अजय कुमार भल्ला, राजीव गोबा, एम अजीत कुमार या टीवी सोमनाथन। आंसर होगा एम अजीत कुमार, क्या होगा, एम अजीत कुमार। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट फरवरी की तरफ चलते हैं। देखिए फरवरी में हमने कुछ माह मनाए, कुछ अभी तक जनवरी का हमने पूरा करंट कंप्लीट कर लिया है, फरवरी में देखते हैं, सबसे पहले कदम रख चुके हैं फरवरी में। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक की स्थापना दिवस मनाया जाता है, 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है, विश्व आंध्रभूमि दिवस मनाया जाता है, 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है, विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और इस बार 2020 में जो थीम रही थी आई एम एंड आई विल। उसके बाद में 6 फरवरी को जो मनाया जाता है क्या, महिला जननांग विकृति विरुद्ध शून्य सहनशीलता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है, उसके बाद में 10 फरवरी को मनाया जाता है विश्व दलहन दिवस, 10 फरवरी को एक दिवस और मनाया जाता है, क्या नाम है, राष्ट्रीय कृषि मुक्ति दिवस, 11 फरवरी को क्या मनाया जाता है, विज्ञान में महिलाओं लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस, उसके बाद में 11 फरवरी को एक दिवस और है, क्या नाम है, विश्व यूनानी दिवस, इसके बाद में 12 फरवरी को एक दिवस मनाया जाता है राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, 13 फरवरी को एक दिवस मनाया जाता है विश्व रेडियो दिवस, और 13 फरवरी को एक दिवस और मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, यस। अब अगर मैं नेशनल महिला यानी कि अगर मैं वैसे वुमेन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, देखिए अंतर्राष्ट्रीय ये राष्ट्रीय महिला दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल वुमेन डे की बात करूंगी तो कब, 8 मार्च को मनाया जाता है, कब, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वुमेन डे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने गरीब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना शुरू करी है, मध्य प्रदेश ने, हरियाणा ने, उत्तर प्रदेश ने, उत्तराखंड ने, छत्तीसगढ़ ने। सही आंसर होगा हरियाणा ने। ठीक है, अगला प्रश्न, आंध्र प्रदेश के किस जिले में मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने पहले दिशा पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया, पूर्व गोदावरी, विशाखापत्तनम, पश्चिम गोदावरी, विजयनगर या यहाँ पर गुटुम्बल। सही आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पर यानी कि पूर्व गोदावरी। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई 10 फरवरी 2014 को फरवरी 2020 तक वित्तीय साक्षरता सप्ताह, ठीक है, जिसका नाम क्या है, डब्लू, ध्यान देंगे, देखिए यहाँ पर मैं बात करूँ, यहाँ पर सॉरी FLW, इसका आयोजन किया गया, थीम क्या थी, विषय क्या रहा था, आप मुझे बताएंगे। यहाँ पर MSME या फिर यहाँ पर ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन 4, ऑप्शन 5। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल। ठीक है, अगला प्रश्न, किसको मैस्टिंग्स कलिंगा साहित्य पुरस्कार भारतीय एवं वैश्विक मिला है, मनोज दास को, नासिरा शर्मा या फिर आक्तिकम अचुत्य नाथुंदरी को या वासुदेव मोहे को, फहीदा रहमान, तो ये मनोज दास को मिला है। अगला प्रश्न, किस दिन विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाया जाता, अभी आपने पढ़ा 1 फरवरी, 2 फरवरी, 10 फरवरी, 6 फरवरी या फिर 4 फरवरी, ये मनाया जाता है आपका 10 फरवरी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, किसे फ्लिपन पार्टन को भारत में उच्चायुक्त नियुक्त किया गया, नेपाल, यूएसए, ब्रिटेन, कनाडा या रूस। सही आंसर होगा आप लोगों का ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन, कौन भारत में नॉन फ्लेइंग डेविस कप कप्तान के रूप में होंगे, कौन, आरपी सिंह, रोहित राजपाल, मदन लाल या फिर सुलक्षण नाइक या फिर गौरव गांगुली, सौरभ गांगुली। सही आंसर होगा रोहित राजपाल। अगला प्रश्न,
किस देश के 27 राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता संगठन ने शुभारंभ की घोषणा की है, जो दुनिया भर में धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा संरक्षण के लिए एक सामूहिक दृष्टिकोण अपनाने की कोशिश करेगा? कौन? कतर, संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, वियतनाम या चाइना? सही आंसर क्या होगा? आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने देश में अपनी तरह का पहला ग्लास फॉर्मिंग स्पेंस ब्रिज डिजाइन किया है? लद्दाख ने, उत्तराखंड ने, झारखंड ने, जम्मू कश्मीर ने, गुजरात? आंसर होगा उत्तराखंड ने। अगला प्रश्न, ग्लोबल मागले को किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया? नेपाल के, भूटान के, म्यांमार के, मालदीप या श्रीलंका? सही आंसर होगा श्रीलंका के अगले जो उच्चायुक्त बने हैं, ठीक है, तो कौन बने हैं? गोपाल बागले। अगला प्रश्न, NPIC ने इंस्टेंट जो मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप को अपने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस युवाओं को 10 बिलियन उपयोगकर्ता विस्तारित करने की अनुमति दी है, तो NPCI का हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा? चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली, हैदराबाद? कहाँ पर होगा? ब्यूटी, क्या बात, बड़ी लेट आ रही हो। सही आंसर होगा ऑप्शन ई, यानी कि कहाँ पर होगा? मुंबई में, ठीक है, यस। अगला प्रश्न, किसको जिंदल साउथ वेस्ट, ठीक है, JSW स्टील में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सुनील शेट्टी को, सुनील छेत्री, PV सिंधु, दीपिका पादुकोण या श्रवंत पंत? तो सही आंसर होगा श्रवण पंत को। अगला प्रश्न, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास 2020 का 5वां संस्करण यूनाइटेड किंगडम को सैलिसबरी मैदान आयोजित किया जाएगा, इसका अभ्यास का क्या नाम होगा? अजय वॉरियर, कॉन्कर्ड, इंद्रधनुष, सहयोग काइजन या नसीम अल वैन? तो अजय वॉरियर इसका नाम होगा। अगला प्रश्न, किस दिन को राष्ट्रीय कृषि मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है? अभी बताया मैंने, 1 फरवरी, 10 फरवरी, 2 फरवरी, 4 या 6 फरवरी? तो 10 फरवरी को हम ये मनाते हैं और तिलन दिवस भी इसी दिन मनाते हैं, ठीक है, यस ब्यूटी जी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए, किस दिन को हर साल विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो किस दिन को हर साल विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? 1 जनवरी, 11 फरवरी, 4 जनवरी, 9 जनवरी या 10 जनवरी? अपना आंसर देते रहेंगे मैम, आंसर नहीं देना है, आंसर देना है, आंसर दीजिए, आप अपने आप को चेक करते रहिए, आंसर देते रहिए, बिल्कुल आंसर दीजिए। स्पीड के साथ मैं इसलिए चल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं। यस, सही आंसर क्या होगा? देखिए, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। हेलो अनिकेत, आ चुके क्लास में वापस, अरे वाह, सही आंसर होगा यहाँ पर 11 फरवरी को, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, प्रकाश जावड़ेकर ने नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम पर एक बायोपिक का पहला लुक जारी किया, कौन फिल्म डॉक्टर कलाम भूमिका निभा रही है? कौन सी फिल्म है? मोहम्मद अली, सलमान खान, सुनील शेट्टी, MS धोनी, निर्मला चंद्र नगलिया? कौन APJ अब्दुल कलाम का? हाँ बिल्कुल, चलिए इंद्रजीत, अनिकेत, ब्यूटी, वेरी गुड, चलिए सही आंसर क्या होगा? जाने के बाद वापस आए, अरे भाई वाह भाई वाह, अब मेरा भी जाने का टाइम हो लिया। सही आंसर होगा मोहम्मद अली, ठीक है। अगला प्रश्न, किस देश ने दक्षिण अफ्रीका में भारत को हरा करके अंडर-19 ICC विश्व कप जीता है? नेपाल, जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, बांग्लादेश इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, बिल्कुल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट, अगला प्रश्न क्या है देखिए यहाँ पर, आर्मर्ड डुप्लांटिस, जो डुप्लांटिस है, इसने 20 फीट से 2.9 इंच की छलांग के साथ पोल वर्ल्ड, यहाँ पर मैं बात करूँ, यहाँ पर पोल वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तो ये जो है किस देश से है? स्विट्जरलैंड से है, स्वीडिश से है, डेनमार्क से, आइसलैंड से, नॉर्वे से? सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, ये स्वीडिश से है, ठीक है। अगला प्रश्न, कौन दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी एकांगुआ की फतह करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की लड़की बनी है? काम्या कार्तिकेयन, नासिरा शर्मा, वहीदा रहमान या सोफिया कैनिन या फिर वासुदेव माही? अब मुझे बताएंगे सही आंसर, मैम ऑप्शन है काम्या करते हैं। अगला आंसर और लास्ट आंसर होगा, अंतिम प्रश्न होगा आज का, ये पी परमेश्वरन हाल ही में निधन हो गया है, तो वह कौन थे? एथलीट थे, लेखक थे, गायक थे या वैज्ञानिक थे या राजनेता थे? ये थे लेखक, ठीक है।
तो लगभग आपके बहुत सारे क्वेश्चन आ गए हैं, शेष हैं, काफी सारे क्वेश्चन हैं। बाप रे, तो चलिए काफी सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं आज, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा भी नहीं करेंगे, ठीक है? तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। काफी सारे क्वेश्चन आज हमारे साथ रहे, हमारे बीच रहे, जो लोग अभी जुड़े हैं, जो लोग बाद तक जुड़ेंगे, सेशन लाइक करते रहेंगे और आप रिपीट करके देख लेंगे, तो लगभग आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन मैंने दिए हैं आज, ठीक है? चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।